So after conducting three chapters in the revision form, जो कि अपन ने पिछली बार MCQ basis पे किए थे, आज अपन बाकी बचे हुए chapters को लेने जा रहे हैं. That will be from chapter number 4 to chapter number 8. Chapter का नाम याद है क्या? हमने chapter number 1 पढ़ा था जिसका नाम था Introduction to Strategic Management. Chapter number 2 discuss किया था जिसका नाम था Dynamics of Competitive Strategy. चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया था स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. आज अपन बाकी बचे हुए 5 चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले चैप्टर 4 का नाम क्या है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी. फिर पढ़ेंगे चैप्टर 5 बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी. फिर पढ़ेंगे चैप्टर 6 फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी. फिर पढ़ेंगे चैप्टर 7, बोलो जरा क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन. फिर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल. क्लियर? तो शुरू करें भाई चैप्टर नंबर 4 से. अपना ये पूरा रिवीजन, खास तौर से रिवीजन तो है ही, लेकिन इसमें खास बात जो हम ध्यान रख रहे हैं वो क्या है, एमसीक्यू क्या बन के आ सकते हैं. ठीक है ना? जो मेरी समझ कहती है और इंस्टीट्यूट के साथ जो मेरा पिछले 30 साल का एक्सपीरियंस कह रहा है, आप पाएंगे एमसीक्यू के क्वेश्चंस आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे. इतना आसान नहीं होगा कि बस पढ़ के तुरंत अपन ABCD पे टिक कर दें. ये मैं सभी सब्जेक्ट के लिए कह रहा हूँ, केवल अपन ASSM की बात ना करें. तो आपको तैयारी बहुत अच्छे लेवल की करनी है. आसान मत मान लेना इसको कि बहुत इजी होगा हम सबके लिए. ठीक है ना? रटंत विद्या काम नहीं आने वाली है. ये हेडिंग सब हेडिंग वाला काम सब गड़बड़ हो जाएगा आपके. समझना है, कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है, क्योंकि एक एक लाइन के ऊपर कई तरीके के सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं. अपन पढ़ते हुए भी आपको बताएंगे. देखो एक ही चीज़ को कितने तरीके से पूछ सकते हैं, है ना? तो शुरुआत करते हैं अपन चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी. सबसे पहले देखें चैप्टर का ओवरव्यू, हमने क्या डिस्कस किया था. स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेट ऑल्टरनेटिव पहली बार 4 लेवल पे हुआ करते हैं, स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन. 4 नाम याद कर ले अपन. क्या नाम है 4? स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन. उसके बाद ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के 3 रूट है, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, स्ट्रैटेजिक अलायंस. इसके बाद डाइवर्सिफिकेशन के 2 रूट हैं, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. उसके बाद इंटेंसिफिकेशन के 3 रूट हैं, जो कि आइगर एंस ऑफ मैट्रिक्स भी कहती है. वो 3 रूट कौन से हैं? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. जहां तक डाइवर्सिफिकेशन की बात है, इसके 4 रूट हैं, वर्टिकल इंटीग्रेटेड, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड, कंसेंट्रिक एंड कॉनग्लोमरेट. जहां तक वर्टिकल की बात है, इसके भी 2 रूट हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. मैंने बार बार कहा आपको चैप्टर का ओवरव्यू याद होना चाहिए. क्विकली अपन चैप्टर को ओवरव्यू को याद कर लें. स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव एट द फर्स्ट प्लेस आर अ 4 लेवल. कौन कौन से? स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन. उसके बाद जहां तक बात है ग्रोथ और एक्सपेंशन की, इसके 3 रूट हैं. कौन से 3 रूट हैं? डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन और स्ट्रैटेजिक अलायंस. जहां तक डाइवर्सिफिकेशन की बात है, इसके 2 रूट हैं, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. इंटेंसिफिकेशन की बात है, इसके 3 रूट हैं. कौन से? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. जहां तक बात है डाइवर्सिफिकेशन की, उसके 4 रूट है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड, कंसेंट्रिक एंड कॉनग्लोमरेट. जहां तक वर्टिकल की बात है, इसके 2 रूट है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. अगर आपको ये क्लियर है तो आपको ये पता है कौन से चैप्टर की बात है. जब आप पेपर पढ़ेंगे तो ये बड़ी हेल्प करेगा, क्योंकि अपने को किस कॉन्टेक्स्ट में जवाब देना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, आपको जनरल आंसर नहीं लिखना है, कीवर्ड याद करने हैं. MCQ के लिए सेंटेंसेस को ढंग से समझना है, तभी आप इसको आसानी से अटेंड कर पाएंगे, वरना ये सब चीज़ें नाइटमेयर हो जाएगी, बुरे सपने की तरह हो जाएंगी. इसलिए हर चीज़ को ढंग से समझना है. अब आ जाओ, हमने 2 अटेम्प्ट जो देखे हैं, मई और नवंबर वाले, क्या क्या सवाल पूछ लिए गए, फिर अपन मार्क करते हैं इसके ऊपर कौन से सवाल मई के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो आप देखते हैं, हमने मई 18 में बताया था 2 नंबर का सवाल स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव पे पूछा जा चुका है. हमने देखा था रिट्रेंचमेंट के ऊपर 5 नंबर का सवाल मई 18 पे आ चुका है. स्ट्रेटेजिक अलायंस के ऊपर नवंबर 18 में 2 नंबर का सवाल आ चुका है. मर्जर एंड एक्विजिशन के ऊपर मई 18 में 2 नंबर का सवाल आ चुका है. और हमने आपको पढ़ाते हुए भी कहा था, ये जो बाकी बच गया है पोर्शन बहुत बड़ा वाला, कौन सा? इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन वाला. इस पे आप मई 19 में सारे सवाल देखने जा रहे हो, बड़े तौर पे, छोटे तौर पे. तो देखो क्या क्या अपन करेंगे तो सभी, लेकिन हम लोग खास तौर से ध्यान देने जा रहे हैं इंटेंसिफिकेशन के 3 रूट के ऊपर, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और डाइवर्सिफिकेशन के 4 रूट पे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कंसेंट्रिक एंड कॉनग्लोमरेट, जिसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड आ जाएगा. तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मई 19.
बड़े सवाल भी आ सकते हैं इससे, चार नंबर के या उससे भी बड़े, दो नंबर के छोटे भी आ सकते हैं इससे, और एमसीक्यू तो होंगे ही होंगे डेफिनेटली। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको पढ़ाते हुए साथ साथ ये भी बताया था, ये तीन स्ट्रैटेजियाँ हैं। टॉप लेवल पे कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी कहलाती है, जिसको चैप्टर चार में डिस्कस किया जाएगा। मिड लेवल पे बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है, जिसको चैप्टर पाँच में पढ़ेंगे अपन। लो लेवल पे फंक्शनल स्ट्रैटेजी होती है, जिसको चैप्टर नंबर छः पे डिस्कस किया जाएगा। अगर ये तीन स्ट्रैटेजी और तीन चैप्टर भी ढंग से डिस्कस कर लिए जाए तो आप पाएंगे एग्जाम में 20 से 25 नंबर के सवाल तो अकेले नहीं तीन से आते हैं, और इन तीन के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बहुत सारे। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपने को याद रखने हैं। मुझसे कई लोग यूट्यूब पे पूछ रहे हैं, सर वो बड़े सवालों को कैसे लिखना है, उसका जवाब हमें दे। तो आज अपन इस कोशिश करेंगे क्लास में उसको भी एक बार दोबारा से सब लोगों के लिए रिवाइज कर दिया जाए कि बड़े सवालों को चार प्लस के लिए कैसे लिखना होगा। कोई एक सवाल पिक कर लेंगे अपन, और चार प्लस के लिए कैसे करना होगा, डेफिनेशन वाले दो नंबर के लिए कैसे करना होगा, एमसीक्यू तो अपन साथ साथ तैयार कर ही रहे। इन सब चीज़ों को ध्यान से दोबारा से देखना है, क्योंकि तैयारी पूरी हो जाती है लेकिन दिक्कत कहाँ जाया करती है, हमें लिखना क्या है। और वो अगर ढंग से नहीं लिख पाते, अपने आप का प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते, तो फिर नंबर स्कोर करना भी मुश्किल हो जाता है, 40 नंबर लाना भी कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले चीज की। सबसे पहला सवाल है इसमें, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइपोलॉजीज ऑफ स्ट्रेटेजी। इसके लिए हमने बताया था आपको बेसिक क्लासिफिकेशन को आपको ध्यान रखना है। बेसिक क्लासिफिकेशन में कुल मिला के तीन क्लासिफिकेशन है, लेवल के अकॉर्डिंगली, स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंगली, और कंपटीशन के अकॉर्डिंगली। जहां तक लेवल की बात है, तीन लेवल है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शन लेवल। आप इसको एमसीक्यू के लिए तैयार कर ले, इसके लिए तैयार करेंगे अपन, इसको एमसीक्यू के लिए तैयार कर लेंगे अपन। तो इसमें सवाल क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू लेवल व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजीज। अब उसमें चार ऑल्टरनेटिव होंगे, जिसमें से तीन तो ये होंगे कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल, बाकी के तीन कॉम्बिनेशन कोई और भी बना सकता है वो, है ना। इसके साथ जैसे ये जोड़ दे ऑप्शन ए, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, और फिर नीचे ले दे कोई और, ग्लोबल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। दूसरा ऑप्शन हो सकता है ग्लोबल लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल। तीसरा आंसर हो सकता है कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल। चौथा हो सकता है इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल, बिजनेस लेवल। तो आपको सोचने के लिए तो मजबूर करेंगे ही वो, क्योंकि नॉलेज तो पूरा होगा जब भी अपन उन चार में से कौन सा सही जवाब है वो ले पाएंगे, है ना। पिछले क्लासेस में मैंने कहा था कई बार सवालों का जो पहला ऑप्शन होता है ना ए, वो मिसलीडिंग दे देते हैं, वो आपको सही प्रतीत होता है पर सही होता नहीं है। तो उस ट्रैप में नहीं फंसना है अपने को, सही भी हो सकता है, मैंने ये नहीं कहता हमेशा गलत ही देंगे हम, कई बार ए ऑप्शन सही होता है फर्स्ट क्वेश्चन का या किसी क्वेश्चन का, लेकिन हमें वो सोचना जरूर है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ठीक लग रहा है पर ठीक है नहीं, कोई और ऑप्शन भी है जो इससे ज्यादा ठीक है। तो आपको वो जरूर ध्यान दे देना है, वरना ट्रैप में हम भी फंस जाएंगे। जहां तक स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल की बात है, चार तरीके हैं, हमने बताया था इसको पीएलसी के हिसाब से। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की चार स्टेजेस कौन सी होती है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन, बताया था नहीं बताया था। इन चार स्टेजेस में चार अलग अलग स्ट्रेटेजी है। अगर आप इंट्रोडक्शन ग्रोथ पे बात करोगे तो कौन सी होनी चाहिए, मार्केट पेनिट्रेशन। ग्रोथ स्टेज पे कौन सी होनी चाहिए, ग्रोथ और एक्सपेंशन। मेच्योरिटी पे क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी। डिक्लाइन पे कौन सी होनी चाहिए, तो बताओ ये एमसीक्यू के लिए फिट सवाल है या नहीं है। डेफिनेटली है, आप आओगे देखना इसमें से कुछ ना कुछ आ रहा है इस बार एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है ना। चार सवाल बन सकते हैं इससे, नहीं बन सकते, बताओ एंट्री लेवल पे कौन सी स्ट्रैटेजी ठीक रहेगी, चार ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें से एक ही सही होगा। इसी तरीके से ग्रोथ स्टेज पे कौन सी ठीक रहेगी, वो पूछ सकता है। मैच्योरिटी स्टेज पे कौन सी ठीक रहेगी, तो बताओ ये एमसीक्यू के लिए फिट सवाल है या नहीं है। तो आपको इस क्लासेस में साथ साथ ये भी समझना है, टीचर जो बता रहा है उससे एक माइंड सेट अपना डेवलप कर लें कि भाई मेरे एमसीक्यू कैसे हो सकते हैं। मैंने जैसे बार बार कहा है आपको 10,000 एमसीक्यू कर लिए साहब मैंने, 15,000 एमसीक्यू कर लिए मैंने, उससे कुछ नहीं होने जा रहा। आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाओगे तो एक एक चीज के ऊपर ही कई सवाल बन सकते हैं। अच्छा वैसे करना संभव है क्या, कल को मैं 1500-1000 एमसीक्यू की किताब निकाल देता हूँ, वो मेरे सब्जेक्ट की हो सकती है, ऐसे चार सब्जेक्ट की आ जाए तो क्या आप कर लोगे क्या 40,000 एमसीक्यू एग्जाम के दिनों में, अपार्ट फ्रॉम योर अदर स्टडीज, पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए। तो आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्वालिटी पे जाओ क्वांटिटी पे मत जाओ, ठीक है ना। हमेशा कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा हमें हर सब्जेक्ट में, फिर सवाल कहीं से फ्रेम हो जाए। एक एक चीज के ऊपर हम कई तरीके से सवाल फ्रेम कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या, विच वन ऑफ देम इज नॉट एग्जिस्ट इन द फ्यूचर, या विच वन ऑफ देम एग्जिस्ट इन द फ्यूचर,
तो दो ही सवाल हो गए एक एक ही तरीके से, ऐसे अपन कई तरीके के सवाल फ्रेम कर सकते हैं उसके ऊपर। इसलिए अपने को समझना है सवाल कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, बड़े सवाल और एमसीक्यू के सवाल। आ जाओ तीसरा, तीसरा है कॉम्पिटिशन के हिसाब से। तो कॉम्पिटिशन के हिसाब से हमने तीन कौन से पढ़े थे, कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन एंड फोकस। बताओ एमसीक्यू के लिए फिट है या नहीं अभी। इसके अलावा कॉम्बिनेशन में कोलाबोरेशन पे कौन कौन से होते हैं, जॉइंट वेंचर, मर्जर एंड एक्विजिशन और स्ट्रेटेजिक अलायंस। बताओ इस पर भी एमसीक्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें एमसीक्यू के लिए फिट है, जरूर देखोगे आप इसमें से कोई ना कोई एक एमसीक्यू, इसको एमसीक्यू के लिए हमने जरूर तैयार कर लेना है। आगे चले अपन। फिर हमने ट्रू फॉल्स के लिए आपको एक बताया था। इस क्लासेस में सारी तैयारी हो रही है फिर से, एमसीक्यू नंबर वन, ट्रू फॉल्स नंबर टू, डिफरेंस बिटवीन नंबर थ्री, बड़े सवाल नंबर चार। ऐसे में तो इतना ही है, फ्लो चार्ट में आएंगे तो यही चीज़ें होंगी। ट्रू फॉल्स नहीं होता वहाँ पे, वहाँ पे उसकी जगह आ जाता है फ्लो चार्ट का क्वेश्चन। क्लियर? जैसे हम एसएम खत्म करेंगे ये यस बहुत जल्दी रख लेंगे अपन, ठीक है ना। और ये इसका फ्लो चार्ट भी रखना है अपने को इसी तरीके से, ताकि सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएँ और एमसीक्यू आधारित रिवाइज हो जाएँ। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप। मैंने कहा था इसकी डेफिनेशन याद रखनी है दो नंबर के लिए। क्या डेफिनेशन याद रखोगे? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी ऑल्सो नोन एज ग्रैंड स्ट्रेटेजी आर मीन टू प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ द और डायरेक्शन टू द कंपनी। तो कॉर्पोरेट लेवल की डेफिनेशन आती है तो इसमें कीवर्ड कौन कौन से हो गए, ग्रैंड स्ट्रेटेजी एक, मीन टू प्रोवाइड डायरेक्शन दो, तीसरा ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो क्या करती है आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। एक वर्ड मैंने और बताया था आपको ध्यान हो तो, जेनरिक वर्ड, वो भी इसमें आप जोड़ सकते हो, चौथा हो सकता है। और फिर उसके बाद पांचवा लिख लो, ये चार भागों में क्लासिफाई की जा सकती है जिनके नाम है स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन। बताओ दो नंबर में अपन डेफिनेशन नहीं दे दी, ठीक है। अब दो नंबर में क्या लिखते हैं अपन, क्या लिखेंगे? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी विच इज ऑल्सो नोन एज जेनरिक स्ट्रेटजी कॉमा ग्रैंड स्ट्रेटजी कॉमा डायरेक्शन स्ट्रेटजी। कह सकते हैं इट इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रॉड क्लासिफिकेशन, नेमली स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन और ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। बताओ कोई अगर ऐसा लिख के आ रहा है तो हम नंबर काटें कहाँ उसके, नंबर तो दो देने ही पड़ेंगे उसको हमारे। लेकिन आप ऐसा नहीं लिख पा रहे, कहीं 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 कुछ वर्ड्स कम हैं, या आपने इन बातों के अलावा वो दूसरी बातें लिख रखी है तो नंबर देने का सवाल भी पैदा नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो डाला था मैंने, नंबर क्यों नहीं आते, वाई सी ए स्टूडेंट फेल सो ऑफन। आप देखो उसको, खूब लोग देख रहे हैं उस बच्चे, क्योंकि मैक्सिमम लोग फेल हुए ही हैं सब्जेक्ट में। क्यों हुए हैं उसका कारण मैंने बताया, कीवर्ड होते नहीं हैं आपके उसमें। अब एज एग्जामिनर और पेपर सेटर में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में कि कुछ लिखते ही नहीं है ढंग से, और फिर अपन दोष देते हैं इंस्टीट्यूट हमें फेल करती है। वो फेल करने के लिए थोड़ी बैठी है, पास करने के लिए बैठी है। और उस लेवल पर हम काम तो कर लें, उतना तो हम अपने आप को बेटर कर लें, नहीं करेंगे और हम एक्सपेक्ट करें हमें नंबर भर भर के दिए जाएंगे तो भी ऐसा तो नहीं होता। मैंने तो आपको ही दिखानी पड़ेगी, बात आ रही कि नहीं है समझ में। तो दो नंबर का सवाल कैसा करना है समझ में आ गया, एमसीक्यू कैसा करना है बता दिया मैंने, ट्रू फॉल्स कैसे करना है वो भी समझ लो। अब ट्रू फॉल्स में क्या सवाल हो सकता है, मैंने हमने बीच में छोड़ दिया था, फिर से देखो क्या सवाल हो सकता है ट्रू फॉल्स का। इट मे बी नोटेड दैट, जो ऊपर आपको स्ट्रेटजी के तरीके बताए ना हमने, कौन से तरीके, लेवल के हिसाब से, बिजनेस साइकिल के हिसाब से, कॉम्पिटिशन के हिसाब से, हम उनकी बात कर रहे हैं, दैट देर इज नो वाटर टाइट कंपार्टमेंटेशन बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ टाइपोलॉजीज। क्या ये जितने तरीके आपको बताए जा रहे हैं बस इतने ही तरीके हो सकते हैं, इनके पर्सनल या इनके अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना। तो बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है कि इनको परफेक्ट वाटर टाइट कंपार्टमेंट में, मतलब स्ट्रिक्ट इन्हीं कॉम्बिनेशन में रखना पड़ेगा, आप नया नहीं बना सकते, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? नहीं है। तो जवाब क्या देंगे? नो, देर इज नो वाटर टाइट कंपार्टमेंटेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज बिकॉज दीज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज कैन बी कंबाइन इन डिफरेंट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बताओ नंबर मिले कि नहीं मिले अपने को? अब अपन इसके अलावा कोई और बात लिख ले तो फिर नंबर नहीं मिलते। तो पहले तो हमें ये बताना है वो ट्रू है कि फॉल्स है, फिर हमें रीजन देना है वो ट्रू फॉल्स क्यों है, क्योंकि इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, अगर नहीं होंगे तो फिर ये बात सही होती है, चूंकि हो सकते हैं इसलिए बात फॉल्स है। बात आई कि नहीं समझ में? तो क्या क्या देख लिया अपन ने, एमसीक्यू कैसे फ्रेम होते हैं देखा अपन ने, ट्रू फॉल्स कैसे जवाब दिए जाते हैं देखा अपन ने, उसके बाद क्या देखा अपन ने, डेफिनेशन वाले दो नंबर के जो सवाल आते हैं कंपलसरी वाले, उनका जवाब कैसे देना है अपने को। अब आगे दो और बचते हैं जो अपने को करने, एक डिफरेंस बिटवीन जब आएगा तो वो भी डिस्कस कर लूंगा मैं, और दूसरा बड़ा सवाल कैसे जवाब देना है, कितने लेंथ पे जवाब देना है। क्लियर? चले इससे आगे अपन। नेक्स्ट आता है चार स्ट्रेटजीज के बेसिक फीचर, हमने चार एग्जाम्पल के साथ बताए थे आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले स्टेबिलिटी की डेफिनेशन, स्टेबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी, द फर्म स्टेज विद इन द करंट बिजनेस एंड प्रोडक्ट मार्केट। ये तो लिखना ही पड़ेगा। स्टेबिलिटी में क्या करता है बंदा, करंट बिजनेस में ही रहता है। किस में रहता है वो,
करंट बिजनेस में रहता है, सेम प्रोडक्ट में रहता है, सेम मार्केट में रहता है और मेंटेन करता है एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट। और इसमें ग्रोथ कैसी आती है भाई? इंक्रीमेंटल। मैंने पढ़ाते हुए भी कहा था इस पर एमसीक्यू बनेगा। स्टेबिलिटी में ग्रोथ कैसी आती है? एक्सपोनेंशियल की इंक्रीमेंटल के कोई और वर्ड याद रखना पड़ेगा, ठीक है? इस क्लास में मेरी कोशिश ये रहती है कि आपके माइंडसेट को टीचर के माइंडसेट पे ले आए कि भाई हम एज ए एग्जामिनर सवाल क्या पूछ सकते हैं आपसे। तो जब पढ़ते हुए आप उस लेवल पे सोचने लग जाओगे ना तो फिर एमसीक्यू लगेंगे नहीं। कि हम रोज जो पढ़ते हैं उसी में से कुछ पूछ लो, हम कर ही सकते हैं ना उसको, कि नहीं कर सकते अपन? तो आपको उस कीवर्ड पे ध्यान देना है, जिसको गायब कर दिया जाए तो ये सेंटेंस अधूरा लगता है और उस पर कुछ भी फ्रेम किया जा सकता है। तो हमारे लिए बताओ एमसीक्यू बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है ना? तो एमसीक्यू कोई आर्ट नहीं है, एमसीक्यू एक लॉजिकल रीजनिंग है आपसे पूछने की। पढ़ते हुए अगर हम ढंग से काम कर रहे हैं, पढ़ते हुए हमने हर चीज को समझने की कोशिश की है, हम बहुत कंसेप्चुअली स्ट्रांग होकर इसको देख रहे हैं, तो एमसीक्यू स्कोर करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। इसलिए पढ़ते हुए ध्यान दे दो अपने सब्जेक्टों को, ठीक है? फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, हेडिंग सब हेडिंग की है प्रॉब्लम में आ जाओगे। ढंग से समझने की कोशिश करो, क्योंकि May 19 आप सबकी लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग एक्शन वाला एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है ना? जो इस तरीके से कर लेंगे वो तो पास हो जाएंगे, तय है। नहीं कर पाए, पुराने तरीकों पे रहे, वो हेडिंग सब हेडिंग वाले रटा तो बार बार 20 बार 25 बार बुलवा लो, पास नहीं करने जा रहे। मैं आज दावा कर रहा हूँ, ये 19 के रिजल्ट के बाद भी मैं एक वीडियो डाल के बता दूंगा। इसका एग्जांपल क्या दिया था हमने? पार्ले जी सेम एफर्ट कर रहा है इस चीज के लिए। उसके बाद सेकंड था एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। एक्सपेंशन में हमने एग्जांपल इसका दिया था, पतंजलि का एग्जांपल दिया था, आपको पता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? द फर्म सीक्स सिग्निफिकेंट ग्रोथ। तो मैमथ ग्रोथ कह लो, सिग्निफिकेंट ग्रोथ कह लो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कह लो, किस में आती है? एक्सपेंशन में आती है। तो ये वर्ड याद कर ले तो इस पर एमसीक्यू फ्रेम हो सकता है। मे बी विद इन द करंट बिजनेस और एंटरिंग इनटू द न्यू बिजनेस। तो एक्सपेंशन और ग्रोथ क्या सेम बिजनेस में होती है कि डिफरेंट बिजनेस में भी हो सकती है? तो बताओ, इस पर ट्रू फॉल्स भी कर सकता हूं मैं और इसके ऊपर मैं एमसीक्यू भी फ्रेम कर सकता हूं। बताओ दोनों हो गए कि नहीं हो गए? तो बताओ, इससे दो चीजें निकल के आती है, रिलेटेड भी हो सकता है और अनरिलेटेड भी हो सकता है। आगे चल के पढ़ेंगे, रिलेटेड होता है तो उसको कंसेंट्रिक कह देते हैं और अनरिलेटेड होता है तो उसको कॉन्ग्लोरोमेट कह देते हैं। यही तो बात पढ़ी थी अपन ने। तो रिलेटेड मतलब क्या? कंसेंट्रिक। डिफरेंट मतलब क्या? अनरिलेटेड मतलब क्या? डिसजॉइंट मतलब क्या? कॉन्ग्लोरोमेट। बताओ फिर नए सवाल फ्रेम कर दिए कि नहीं कर दिए मैंने? मेरी जो बुक करी है ना, मेरे ख्याल से इस सैटरडे या संडे तक हम लोग उसको रिलीज कर देंगे नेशनल लेवल पे, उसमें हमने सवाल इसी तरीके से फ्रेम किए। आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे जो इस क्लास में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वो बुक जो आ रही है उसमें बहुत सोच समझ के उसको समय लेते हुए बनाया गया है। एक एक चीज़ के ऊपर सोचा गया है कि इस पे कैसे हो सकता है सवाल, जो कि आपको अटेंड कर लेना चाहिए, आपको ऐसी तैयारी कर लेनी चाहिए। और मेरे को ऐसी होप है उन सवालों को जब आप करके जाएंगे तो मुझे लगता है कम से कम 50-60% सवाल तो उन जैसे ही या उनमें से ही उठे हुए होंगे, जो कि आज तक का अपना एक्सपीरियंस रहा हुआ है इंस्टीट्यूट के साथ में, कि जो अपन क्लासेज में इंपॉर्टेंट मार्क करा देते हैं तो वो 70-80% 90% तक आ ही जाते हैं कम से कम थ्योरेटिकल पेपर में। तो यहाँ पे भी उसी माइंडसेट को लेके बनाई गई है वो बुक अपन ने। होप कर रहा हूँ मैं पहली बार में शायद 50-60% तो जरूर लगने ही चाहिए, ये तो मिनिमम बेंचमार्क है, ज़्यादा भी लग सकते हैं लेकिन ये तय बात है। अगले अटेम्प्ट जो आएगा नवंबर वाला, उसमें तो एमसीक्यू जो अपन बनाएंगे वही लगने जा रहे हैं, क्योंकि एक बार माइंडसेट हमें पता चल जाए तो उसके बाद फिर देर नहीं लगती अपने को इंस्टीट्यूट के माइंडसेट पे चेंज होते हुए। कर सकते हैं ना अपन? अल्टीमेटली पास होने के लिए क्या करना चाहिए हमारे को? अपने आप को इंस्टीट्यूट के माइंडसेट की बेंचमार्किंग पे लाना पड़ेगा। अपना लास्ट टॉपिक भी तो यही है बेंचमार्किंग, चैप्टर नंबर 8 का। तो बेंचमार्किंग लानी पड़ेगी अपने को, क्योंकि अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पास करना चाहते हैं। आ जाओ तीसरी स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। नाम क्या है उसका? रिट्रेंचमेंट। एग्जांपल क्या था उसका? सहारा एयरलाइंस, बताया था आपने, रिट्रेंच कर लिया उसने। अच्छा, क्या होता है इसमें? द फर्म रिट्रेंचेस सम ऑफ द एक्टिविटी। पूरी होती है कि कुछ होती है? पूरी हो जाए तो क्या कहते हैं? लिक्विडेशन। पूरी हो जाए तो क्या कहते हैं उसको? और रिट्रेंचमेंट में क्या करते हैं अपन? पार्टली किया करते हैं। ध्यान आता है बात समझ में? तो दोनों के बीच में अंतर समझ लो अच्छे से। हालांकि रिट्रेंचमेंट का अंतिम स्टेज क्या होता है? लिक्विडेशन ही होता है, लेकिन लिक्विडेशन में कंप्लीटली डाइल्यूट किया जाता है, जबकि रिट्रेंचमेंट में पार्शली सम ऑफ द बिजनेस किया जाता है। देखो, एमसीक्यू के लिए तैयार कर रहे हैं अपन, वो डिफरेंस समझें अपन। अब यहां पर आप कैजुअल हो जाओ और आप क्या लिखो? एक रिट्रेंचमेंट में वो अपना सब कुछ बिजनेस बेच बाच के चला जाया करता है, तो इसका क्या पता चल रहा है हमारे को? आप लिक्विडेशन की बात लिख रहे हैं, जो रिट्रेंचमेंट में आपको नहीं लिखने चाहिए। हाँ, आप ये लिखें रिट्रेंचमेंट के लास्ट ऑप्शन के तौर पे, लिक्विडेशन में वो अंतिम रिजॉर्ट होता है उसका, जब वो सब कुछ बेच देता है। ये बात समझ में आती है? तो आप क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, दैट इफेक्ट्स द टीचर माइंडसेट, और नंबर फिर उसी हिसाब से आते हैं। इसलिए बहुत कैजुअल नहीं लेना अपने को इस पेपर को। क्या करना है? हर चीज को सोच समझ के लेना है ना।
आपने देखा होगा कई लोगों को कलम के धनी होते हैं, लिख देते हैं ना तो पढ़ के मजा आ जाया करता है, क्या बात लिखी है। कई लोग कवि होते हैं, इस समय पुलवामा अटैक के बाद में कई लोग कई तरीके की बातें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कविताओं के तौर पर कह रहे हैं। कुछ तो ऐसे जबरदस्त कह देते हैं कि जोश भर देते हैं, कुछ ऐसे कह देते हैं कि रुलाई दिया करते हैं। ये कलम की तो बात है ना, तो आपकी कलम में वो ताकत होनी चाहिए कि टीचर आपको नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए कि ऐसा तो किसी ने लिखा ही नहीं, ऐसी फ्रेमिंग तो किसी ने की नहीं, ऐसा तो किसी ने समझाया ही नहीं, तो नेचुरली नंबर तो देने ही देने हैं हमारे को। और ऐसी नेचुरली कॉपियाँ मिलती भी नहीं है हमारे को, इसीलिए स्टूडेंट पास नहीं कर पाते। तो अपने को उस लेवल पे आना है। बार बार अपने इस रिवीजन क्लास में और नॉर्मल क्लासेस में पढ़ते हुए भी इस बात को कह चुके हैं। आगे चलते हैं अपन। कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं, जैसे टाटा एंड सन की स्ट्रैटेजी, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस में, तो कॉम्बिनेशन कौन अपना है, जो सिंगल बिजनेस में है या जो मल्टीपल बिजनेस में है, तो ये बात समझनी होगी। बताओ ट्रू एंड फॉल्स का सवाल, और साथ में एमसीक्यू बना के नहीं बना इसके ऊपर, बन सकता है ना। द फर्म कंबाइन अबव स्ट्रैटेजी अल्टरनेटिव इन सम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ये तरीका किसमें कहलाता है हमारा, कॉम्बिनेशन में। तो बताओ ये सवाल दो नंबर के लिए भी तैयार हो गया, ट्रू फॉल्स के लिए भी तैयार हो गया, एमसीक्यू के लिए भी तैयार हो गया। पढ़ाई करते वक्त हर सवाल को हर तरीके से तैयार करना है, हम हर चीज़ के लिए तैयार रहने चाहिए। अपनी कोशिश क्या, एग्जाम में जब ये SSM का पेपर हमारे पास में आए तो चॉइस हमारे पास होनी चाहिए हम कौन से अटेंड करें और कौन से नहीं। कंपलसरी तो सबको करना है, बाकी के बाद में एक सवाल की चॉइस मिलेगी ना अपने को, वो छोड़ना हमारे हाथ होना चाहिए, एग्जामिनर के हाथ में नहीं होना चाहिए। जब वो आपके हाथ आ जाएगा तो फिर नंबर स्कोर करना भी दिक्कत का विषय नहीं रहेगा हम सबके लिए। आगे चलते हैं अपन। स्टेबिलिटी को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था हमने, किया था नहीं किया था, तो स्टेबिलिटी में हमें क्या याद रखना है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी परसूड ए फर्म वैन, दो चीजें बताई थी, कौन सा, इट कंटिन्यू टू सर्व इन द सेम एंड सिमिलर मार्केट एंड डील्स इन द सेम एंड सिमिलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इतना याद रखो। और दूसरा, द स्ट्रेटेजिक डिसीजन फोकस ऑन द इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, ये बात उसकी डेफिनेशन में भी थी कि नहीं थी। तो अगर अलग से दो नंबर का सवाल आ जाता है, वैन ए स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी परसूड, तो इस हेडिंग से तो सवाल पूछ रहा है, तो ये दो बातें लिखने की है। पहली बात क्या लिखोगे आप, इट कंटिन्यू टू सर्व इन द सेम एंड सिमिलर मार्केट, एंड नंबर टू, द स्ट्रेटेजिक डिसीजन फोकसेस ऑन द इंक्रीमेंटल ग्रोथ। बताओ सवाल बना, दो नंबर हमने लिखे, तो आपको क्या करना है, इसके साथ उसका कॉन्टेक्स्ट भी याद रखना है कि किस जगह क्या लिखने का है अपने को, ठीक है ना। SM के सवालों में और खासतौर से SM के पेपर को करते हुए मैं आप सबको कह रहा हूँ, थोड़ा केयरफुल और कॉशियस रहना, जबरदस्ती और जल्दबाजी में सोल्यूशन नहीं लिखना है, सोचना है कि हम क्या जवाब देने जा रहे हैं, क्या वो इसी सवाल का जवाब है। कई बार ऐसा होता है सवाल कुछ और होता है, हम कुछ भी लिखाते हैं, वैसा नहीं चलेगा। आपको सवाल को ढंग से समझना होगा और फिर उसके हिसाब से जो उसका सही आंसर है, जो आपने क्लासेस में हमारे साथ पढ़ा है, उसको जवाब के तौर पर देना, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी अपने को, सोच के जवाब देंगे अपन। अब ट्रू एंड फॉल्स पे सवाल क्या हो सकता है, जो बार बार पुराने कोर्स में तो कई बार बना हुआ है, पुराना ITSM का कोर्स है ना, उसमें भी ये यूनिट था, ये बार बार आया, मैंने क्वेश्चन बैंक में भी दे रखा है। सवाल क्या है, द स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज नॉट ए डू नथिंग स्ट्रेटेजी, है ना, तो ये सवाल आएगा, क्या स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी एक डू नथिंग स्ट्रेटेजी है, नहीं, ये तो डू समथिंग स्ट्रेटेजी है। क्या इंक्रीमेंटल ग्रोथ के लिए, मार्केट में रहने के लिए आपको कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपनी चीजों में नहीं करने पड़ेंगे, क्या अपने आप ही इंक्रीमेंटल ग्रोथ आ जाती है कि मैं कुछ नहीं करूंगा अपने आप इंक्रीमेंटल ग्रोथ आएगी। मार्केटिंग तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी जिस लेवल ऑफ एफर्ट्स पे आप कर रहे हैं, प्रोडक्ट में जिस तरीके के फीचर्स आप दे रहे हैं उस तरीके के फीचर देने पड़ेंगे, प्राइसिंग जिस तरीके की आपने रखी हुई है वो रखने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। क्या आप जो प्राइसेस रखते हैं हमेशा उस प्राइसेस को आप उसी तरीके से रख सकते हैं कि मार्केट में कभी रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ सकते हैं, कभी आपकी मैन पावर महंगी हो सकती है, कभी गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ सकते हैं, इन दबाव के बावजूद आपको प्राइसेस सेम रखने की दिक्कत नहीं आती क्या, कि मैं सोचता हूँ मैं तो प्राइसेस वही रख लूंगा, कल कल कॉम्पिटिटर ने गिरा दिया तो मुझे भी गिराने पड़ेंगे, कल गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिया तो मेरे मार्जिन पे फर्क पड़ेगा, कल रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो मुझे फर्क पड़ेगा, क्या स्टेबिलिटी में इन सबका फर्क नहीं पड़ता क्या, तो क्या बिना करे ही स्टेबिलिटी आ जाएगी क्या, तो बताओ ये डू नथिंग है कि डू समथिंग है, बताओ जवाब दिया कि नहीं दिया अपन ने, सही ढंग से दिया कि नहीं दिया। तो एक्सप्लेनेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको रीजन लगे कि आपने सही दिया है। आप ये ट्रू फॉल्स में देखेंगे कई लोगों के नंबर ही नहीं आते, वो लिखते सर ट्रू फॉल्स लिख दिया बस उसे नंबर आ जाएंगे, नहीं, एक अच्छा सा रीजन देना पड़ेगा, रीजन भी आपके बात को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो केवल ट्रू फॉल्स लिखने के कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, दो नंबर गए आपके, सपोर्ट में स्टेटमेंट चाहिए हमें और अच्छा स्टेटमेंट चाहिए, क्लियर। उसके बाद मैंने आपको ध्यान हो तो 9 स्ट्रेटेजियां बताई थी, और अगर ये 9 स्ट्रेटेजी याद कर लेते हैं तो आपको मैंने कहा था ग्रोथ की भी 9 याद हो गई, क्योंकि इसकी बिल्कुल उल्टी क्या होती है, ग्रोथ की होती है, आओ याद कर लेते हैं और 9 ग्रोथ की साथ साथ याद कर लेते हैं, उल्टी कर ले रिवर्स है, ठीक है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात कर दे, मैंने उल्टी करने के लिए कहा तो हंसने लग गया कि वो ये वाली उल्टी नहीं है अपनी,
ठीक है ना, रिवर्स करने की बात हो रही है अपने यहाँ पे, है ना। कई लोगों को क्या होता है, कभी अपन रट के चले जाते हैं वहाँ जाके उल्टी कर देते हैं, है ना। वैसी उल्टी नहीं है अपने, हम यहाँ बात कर रहे हैं रिवर्स की, ठीक है ना। अगर यहाँ हम कहते हैं कि भाई ये ऑपोजिट है तो वो फेवरेबल हो जाएगी, है ना। यहाँ हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल है तो हम वहाँ कह देंगे इंक्रीमेंटल है। तो इस तरीके की हम रिवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक ही शब्द का मतलब कई तरीके से निकल सकता है, ठीक है, तो गलत मतलब ना निकाला जाए, ठीक है ना। कई बार नेता लोग कुछ भी बोल देते हैं, फिर जब मीडिया पीछे पड़ जाता है तब क्या कहते हैं, मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, कहते कि नहीं कहते। चलो, तो पहला हम कहते हैं, याद जो रखने की बात है, कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, सेम बिजनेस। पूरा स्टेटमेंट याद नहीं करना, आपसे होगा भी नहीं, है ना। आप में से कई लोग दो ग्रुप दे रहे हैं, हम आपसे अपेक्षा भी नहीं करते, एक एक चीज याद रख लो। मैंने क्या कहा, फोकस करो कीवर्ड के ऊपर। तो पहला फोकस क्या करना है, सेम बिजनेस। और हम एक्सपेंशन में जाते हैं तो क्या करेंगे, सेम बिजनेस और डिफरेंट बिजनेस, दोनों ही हो सकते हैं ना, रिलेटेड अनरिलेटेड। दूसरा कीवर्ड क्या बताया था, इंक्रीमेंटल स्टेबिलिटी में, तो वहां क्या बताएंगे, एक्सपोनेंशियल सिग्निफिकेंट ग्रोथ, बात की थी अपन ने। आ जाओ तीसरी बात, नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ रीडेफिनेशन। कहीं बिजनेस को नए तरीके से नहीं बनाया जाता, जबकि उसमें टोटल रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस। चौथा क्या बताया था, सेफ्टी ओरिएंटेड और स्टेटस को यथास्थिति, वहां पे क्या था, रिस्की होता है, और स्टेटस को तो बिल्कुल नहीं होता है, वहां तो नई नई चीजें की जाती है, यथास्थिति तो होती नहीं है। नेक्स्ट क्या बताया था, मच ऑफ द फ्रेश इन्वेस्टमेंट इज नॉट नीडेड, जबकि उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए। इसमें माइनर इंप्रूवमेंट होता है, उसमें मेजर इंप्रूवमेंट होता है। इसमें रिस्क कम होती है इसलिए इसमें रिवार्ड भी कम है, उसमें रिस्क ज्यादा होती है इसलिए उसमें रिवार्ड भी। मुश्किल है क्या याद करना, देखो सिस्टमेटिक करोगे तो सब होता है ना। सिर्फ मगअप करना शुरू कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। रटने के लिए रट रहे हैं अपन, एक सेंटेंस तू बोल एक मैं बोलूंगा, एक तू बोल एक मैं बोलूंगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको कहीं ना कहीं उसको एसोसिएट करके सीखना पड़ेगा, किसी एक एग्जाम्पल के साथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके क्या हो जाएगा, चीजें याद होनी आसान हो जाएगी हम सबके लिए। नेक्स्ट, कंसंट्रेटिंग इट्स रिसोर्सेज, मतलब इस रिसोर्सेज का जो यूज है वो क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जो प्रोडक्ट है, उन्हीं पे कंसंट्रेट करता है। जबकि एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है रिसोर्सेज को, कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते हैं वहां पे तो लार्ज सेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है हमारे को। इसमें क्या होता है, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव जो होते हैं क्वाइट मॉडेस्ट होते हैं, जबकि उसमें ग्रोथ ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। कितनी हो गई, 9 बात हो गई हमारे यहाँ पे। क्या पढ़ी अपन ने, ये हेडिंग क्या है भाई इसकी, किस में लिखोगे इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखना है, किस में लिखनी है ये, और इसी की 9 रिवर्स किस में लिख दोगे, ग्रोथ में लिख दो। अब आ जाओ मेजर रीजन की बात कर लें, अब किस हेडिंग की बात कर रहे हैं अपन, मेजर रीजंस। मेजर रीजन में पहला क्या है, ये मैच्योरिटी स्टेज पे यूज की जाती है पीएलसी में, बताया था मैंने, हम पहले क्वेश्चन टाइपोलॉजी में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, कहां यूज करनी चाहिए इसको, जब आप मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाओ। दूसरा, लेस रिस्की है, लेस चेंजेस होते हैं, इसलिए लोग इसमें अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग कुछ भी नया करना थ्रेटनिंग मानते हैं, कल को जो है वो भी चला गया तो नहीं दिक्कत होती, नया कुछ सीखना उनको प्रॉब्लम लगता है, इसलिए वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। तीसरा क्या बताया था, एनवायरनमेंट जो फेस कर रहे हैं वो रिलेटिवली स्टेबल है, तो आपको भी स्टेबिलिटी में रहना चाहिए। चौथा, कुछ भी नया करना एक्सपेंशन करना थ्रेटनिंग लगता है, तो वो लोग भी क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को फॉलो करते हैं। और कंसोलिडेशन जब भी करोगे रैपिड एक्सपेंशन के बाद, किस पे आना पड़ेगा आपको, स्टेबिलिटी पे आना पड़ेगा। 5 रीजन बता दिए अपन ने, तो अब देखो इस पे कई तरीके के सवाल हो गए। सबसे पहले स्टेबिलिटी की डेफिनेशन, फिर इसके मेजर रीजन, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक कब परसू की जाती है, बताओ कितने तरीके के सवाल हो गए इस पर। अब जैसे इसने ये मैंने बना दिया, इसमें स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3, स्टेज नंबर 4, पीएलसी है ना ये, तो ऐसे छोटे छोटे बड़े जो 4 नंबर प्लस के सवाल आते हैं ना, उसमें क्या करेंगे अपन, ऐसा एक छोटा सा रफ स्केच बना देंगे, नहीं कर सकते। अब सपोज स्टेबिलिटी पे बड़ा सवाल आ गया 4 प्लस का, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी की क्या करेंगे, डेफिनेशन दे देंगे। क्या डेफिनेशन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज स्टेबिलिटी टू सेफगार्ड इट्स एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ टू परसू द वेल एस्टैब्लिश्ड एंड टेस्टेड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रेटेजी कब परसू की जाती है, 2 बातें लिख दी। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक में से 9 बातें मत लिखो, 4 से 5 बातें तो लिख ही सकते हो एटलीस्ट, वो लिख दो। फिर इसके मेजर रीजन बता दो, और साथ में एक छोटा सा चार्ट बना दो, और इसके एग्जाम्पल में पार्ले जी का नाम लिख दो। बताओ 4 प्लस नंबर के सवालों के लिए आप ऐसा लिख के आएंगे तो आपको कोई दिक्कत हो रही है क्या, कैसे किया अपन ने, सबसे पहले इंप्रेसिव डेफिनेशन डिसेबिलिटी की, चाहे आपने यहां से पढ़ी हो या फिर आपने ये पढ़ी हो, आप ये भी लिख सकते हैं। क्या डेफिनेशन पढ़ी, द फर्म स्टेज विद इन द करंट बिजनेस एंड प्रोडक्ट मार्केट एंड मेंटेन द सेम लेवल, आप ये भी याद कर लो।
बार बार नहीं करनी है अपने को, एक जगह से जो पढ़ ली वही लिख लेंगे अपन। तो डेफिनेशन ये हो गई दो नंबर में। उसके बाद क्या किया अपन ने, कब ये परसू की जाती है उसकी दो बातें लिख दी। उसके बाद करेक्टरिस्टिक में पांच बातें हैं, नौ हैं टोटल, नौ नहीं लिख सको तो एटलीस्ट चार पांच तो लिखनी है। उसके बाद मेजर रीजन बता दो, उसके बाद ये एक छोटा सा डायग्राम बना दो और उसके साथ साथ पार्ले जी का एग्जाम्पल दे दो। बताओ नंबर काटेगा हम आपके, आपने कौन सी चीज़ है जो नहीं लिखी है? तो चार प्लस का जो भी सवाल है, मतलब चार नंबर का, पाँच नंबर का, छः नंबर का या सात नंबर का भी, बड़े से बड़ा सात नंबर का देखा है हमने, है ना, स्ट्रेटेजी ऑडिट पे आया हुआ है May 18 में 7 मार्क्स का, तो इससे बड़ा तो नहीं आएगा। तो बताओ इसके लिए आप ये सारी बातें लिख आए, सात नंबर का होगा तो फिर 9 के 9 करेक्टरिस्टिक लिख देंगे अपन, चार नंबर का होगा तो 5 करेक्टरिस्टिक लिख देंगे अपन, तो वो अपन एक्सटेंशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। बात आ गई सबको समझ में? तो क्या स्कोर करना मुश्किल है क्या? अगर ढंग से समझ लें तो अपन लिख सकते हैं ना इन सारे पॉइंट्स को। तो ऐसे लिखना है अपने को इन बड़े सवालों को जो चार से ज़्यादा नंबर के आते हैं, चार या चार प्लस। अब आ जाओ ग्रोथ और एक्सपेंशन की। हमने क्या बताया, ये रिवर्स है, किसकी रिवर्स है ये? स्टेबिलिटी की, तो जो कि लिखा हुआ है ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी इज इंप्लीमेंटेड बाय रीडिफाइनिंग द बिजनेस बाय इनलार्जिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस। अब ये डेफिनेशन भी ठीक है, या आपने हम पीछे पढ़ी है, ये डेफिनेशन भी आप एक्सपेंशन की लिख सकते हो। क्या लिखोगे? हियर द फर्म सीक सिग्निफिकेंट ग्रोथ मे बी विद इन द सेम और करंट बिजनेस और मे बी द अनरिलेटेड बिजनेस। आप ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, ठीक है। अब आ जाओ इसकी करेक्टरिस्टिक भी बात करते हैं। हमने बताई थी करेक्टरिस्टिक इसकी कौन सी थी, 9 रिवर्स हैं इसकी, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। देखो कौन कौन सी है, रीडेफिनेशन हो गई, ऑपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी होगी। तो बताओ इस ऑपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी पे एमसीक्यू बनता है कि नहीं बनता है? बनता है, हम पूछ सकते हैं आपसे विच स्ट्रैटेजी इज ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। चार नाम दे दिए हमने आपको, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन, लिक्विडेशन, स्टेबिलिटी। बताओ एमसीक्यू बन गया? बन गया है ना। सवाल पढ़ते वक्त या कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना, दिमाग थोड़ा सा उस पर जोड़ दो। इसमें से अगर कोई चीज गायब कर दे तो देखो एमसीक्यू को लाया क्या है, तो फिर आपको वो वर्ड याद कर लेना है, वो एमसीक्यू में आने वाला है। फिर क्या हो जाएगा, प्रिडिक्टेबल लगेंगे आपने। कहा एमसीक्यू खोलते क्या लगेगा, मजा आ गया, ये तो अपन पढ़ के आए थे, ऐसा एक्सपेक्ट भी कर रहे थे और वैसा आ रहा है। और अगर शुरू में अपन वैसा करते चलेंगे तो जो कॉन्फिडेंस आपका वो बिल्ट होगा, बताओ वो 100 नंबर के EISSM पेपर को इजीली स्कोर करने में मदद करेगा कि नहीं करेगा? बार बार पढ़ाते हुए मैंने हमेशा कहा है, ए गुड बिगिनिंग इज हाफ डन। बड़े स्कोर का पीछा कर रहे हो 300+ 50 ओवर के मैच में, और आप पहली बॉल से छक्का लगा देते हो या पहले ओवर में 20-30 रन बटोर लेते हो, तो बताओ मोरल हाई हो जाता है बैट्समैन का और बॉलर का कम हो जाता है। तो अपने को अपना मोरल हाई रखने के लिए तैयारी ऐसे करनी है, और जैसे कर ली तो मान के चले स्कोर करना भी आसान हो जाएगा हम सब के लिए। आगे चले, मेजर रीजन इसके क्या है, रिवर्स है उसके, ठीक है, करने की जरूरत नहीं है ना, चले इससे आगे। नेक्स्ट है देखो, टाइप ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। अब आ जाओ, मैंने देखो पढ़ाते हुए भी आपको बताया था May 19 के लिए, आज थोड़ी कह रहा हूं मैं, तभी कहा था मैंने, इतना तो प्रोडिक्शन मेरा भी काम करता है, ठीक है। अब आप कह लो ये इंस्टीट्यूट के साथ मेरे जो पिछले 30 सालों का एक्सपीरियंस है, कुछ कुछ मुझे लग जाता है कि इस टाइप के सवाल वो फ्रेम कर सकते हैं, और आप देखेंगे एग्जाम में, ये तो आज बन रहा है वीडियो, मोस्ट प्रोबेबली इसको बाय मंडे तक हम इसको अपलोड भी कर देंगे, ठीक है। एग्जाम आपके मई या जून जब भी होंगे इलेक्शन के डेटों के हिसाब से, उसके बाद इमीडिएटली आप पाएंगे इसको, इस वीडियो को एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बताया जा रहा है खूब सारा व्यू किया जाएगा, पिछला वाला भी खूब व्यू किया जा रहा है अब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का तौर पे, क्योंकि उसमें से 80-90% सवाल लगे थे। वो इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मैं हर वीडियो में दे रहा हूँ कि आप देखें, हम जो क्लेम करते हैं वो क्लेम करने के लिए नहीं है, वो वाकई होता है, इट हैपन्स एवरी टाइम, ठीक है ना। 60 अटेम्प्ट हो गए अब एग्जाम के CA वाले 1989 से टिल डेट तक, जो कह दिया वो होता है, ठीक है ना। कम से कम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इतनी बातें तो इंस्टीट्यूट के माइंडसेट्स को हम रीड करके कर पा रहे हैं, और ये एक्सपीरियंस बाजार से खरीद के मिल नहीं सकता, ये तो करने से ही होता है, ठीक है ना। इसलिए एक्सपीरियंस ऑलवेज काउंट्स, बार बार हम कहते हैं आप, एक्सपीरियंस तो मिलता ही है, अपन ने पढ़ा भी है, पीछे पढ़ के भी आए एक अपन, एक्सपीरियंस एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि नहीं होता है पोर्टफोलियो एनालिसिस में। 3 पढ़े थे अपन ने, कौन कौन से थे याद है क्या कुछ? SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, 2nd एक्सपीरियंस कर, 3rd प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ध्यान आ रहा है? 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़े थे। चलो तो अब इसको थोड़ा ढंग से कर लेते हैं, बड़े सवाल और छोटे सवालों के लिए अपन इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, बताया था नहीं बताया था अपन ने, एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन की सबसे पहले डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सवाल आ सकता है डाइवर्सिफिकेशन पे। डाइवर्सिफिकेशन इज डिफाइंड एज एंट्री इनटू द न्यू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन, न्यू सर्विसेज और न्यू मार्केट, इन्वॉल्विंग सस्टेनेबल डिफरेंट स्किल टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। अब ये शब्द जो सस्टेनेबल है ये याद रखना है अपने को, ठीक है, बाकी तो आपको पता है।
न्यू प्रोडक्ट में जाना होता है, न्यू मार्केट में जाना होता है, न्यू सर्विसेज में जाना होता है, इन सब को कहते हैं सब्सटेंशियली सस्टेनेबल जो स्किल्स हैं वो टेक्नोलॉजी और नॉलेज हमें चाहिए होता है, ये डेफिनेशन के तौर पे आपको याद रखना पड़ेगा। अब एमसीक्यू बन सकता है, हमने पढ़ाते हुए भी आपको बताया था, पढ़ते हुए सारी तैयारी वैसी हुई है ना अपनी सारी। इनोवेटिव एंड क्रिएटिव फर्म्स, ठीक है ना, ये दो शब्द याद रखना। कौन सी फर्म? इनोवेटिव एंड क्रिएटिव फर्म। किसके लिए? ये एक्सपेंशन में काम करती हैं। ऑलवेज लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी, तो ये एमसीक्यू है आपका। ऑलवेज लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज टू ग्रो एंड वेंचर इनटू द न्यू एरियाज ऑफ एक्टिविटी एंड टू ब्रेक डाउन न्यू फ्रंटियर विद द जील ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड याद रखना। एक्सपेंशन में कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है? एंटरप्रेन्योर, जील ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मतलब नया काम करने की इच्छा शक्ति। झील क्या है? आपकी इच्छा शक्ति को बताता है। दे फील द डाइवर्सिफिकेशन ऑफर ग्रेटर प्रॉस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी देन एक्सपेंशन, ठीक है ना, क्योंकि वो बताता है कि इसमें ज्यादा आपकी संभावना है आगे बढ़ने की, और जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं नेचुरली वो इसी स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे जिसका नाम है ग्रोथ और एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन जो कैसे की जाती है, थ्रू इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन, दो रूट होते हैं, हमने बताया था। आइगर अनसॉफ की मैट्रिक्स उसको एक फ्रेमवर्क से बताती है जिसको अपन डिस्कस कर चुके हैं। किया था कि नहीं किया था? पोर्टफोलियो एनालिसिस में किया था, चार मेथड पढ़े थे ना, BCG, आइगर एनसॉफ, ADL, GE, चार पढ़े थे। और मैं मान के चल रहा हूँ एक बार एक सवाल, चाहे प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल जैसे मैंने क्लास में कराया था आपको वो, या फिर इन्हीं के ऊपर कोई एक सवाल जरूर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पूछा नहीं गया अब तक नए कोर्स में, जबकि पुराने कोर्स में हर अटेम्प्ट में एक सवाल किसी न किसी एक पोर्टफोलियो पे हमेशा आया है। तो हम मान के चलते हैं इस बार ये जरूर आने वाला है, क्योंकि अब तक अंडरडॉग रहा है, अंडररेटेड रहा है, इसलिए इस बार इस पर सवाल बनना है। ये हम पिछले चैप्टर 3 को पढ़ाते हुए आपको कह चुके हैं। तो कौन से चार तरीके हो गए भाई? 2x2 मैट्रिक्स आइगर एनसॉफ बता रही है। पहला ऑप्शन है मार्केट पेनिट्रेशन, दूसरा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तीसरा है मार्केट डेवलपमेंट, चौथा है डाइवर्सिफिकेशन। अब मार्केट पेनिट्रेशन में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं भाई? इंक्रीज द मार्केट शेयर, इंक्रीज द प्रोडक्ट यूसेज, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। ये मार्केट इंक्रीज द प्रोडक्ट यूसेज के दो तरीके, प्रोडक्ट यूसेज के दो तरीके कौन से हैं? या तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो या आप उसकी क्वांटिटी के उपयोग को बढ़ा दो, ठीक है। हमने इसका उदाहरण दिया था आपको जियो का। जियो क्या कर रहा है? मार्केट पेनिट्रेट ही कर रहा है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या बताया था हमने? एड प्रोडक्ट फीचर, प्रोडक्ट रिफाइनमेंट, डेवलप न्यू जनरेशन प्रोडक्ट, डेवलप न्यू प्रोडक्ट फॉर द सेम मार्केट। जैसे 3G से 4G प्रोडक्ट ले आना, 4G से 5G प्रोडक्ट ले आना, है ना, या नॉर्मल ब्रॉडबैंड से फाइबर ऑप्टिक पे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड दे देना, क्या कहलाएगा ये? मार्केट डेवलपमेंट के प्रोडक्ट डेवलपमेंट? प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ये, क्योंकि प्रोडक्ट में कुछ नई चीज कर रहे हो। मार्केट में कुछ नया करो तो मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट में कुछ नया करो तो, और सेम मार्केट में थोड़ा बहुत चेंज करके, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चेंज करके कुछ नया फ्लेवर, कुछ नई कलेवर, कुछ नई चीज दे दो तो क्या कहलाती है वो? मार्केट पेनिट्रेशन, है ना। जैसे नई नई स्कीमें दे देना डेटा की, क्या कहलाएगा ये? ज्यादा ग्राहक को पकड़ने के लिए मार्केट पेनिट्रेशन कहलाएगा। एक ही कार के कई सारे मॉडल लॉन्च कर देना, वेरिएंट ले आना, है ना, पेट्रोल वाली, डीजल वाली, पेट्रोल विद LPG वाली, CNG वाली, है ना, इंजन की कैपेसिटी कम ज्यादा कर दो, इंटीरियर कुछ अलग कर दो, एक्सटीरियर कुछ अलग कर दो, क्या कहलाएगा ये? मार्केट पेनिट्रेशन। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो कई उदाहरण हो सकते हैं, है ना, नैनो कई सारे भी कलर्स में आ रही है, कई सारे फ्लेवर्स में आ रही है, नैनो का एक ऐड भी आया करता है आपने देखा होगा, वो एग्जाम्पल किस में जाएगा? मार्केट पेनिट्रेशन। जियो नए नए डेटा प्लान दे रहा है, एयरटेल नए नए प्लान दे रहा है, BSNL नए नए प्लान दे रहा है, क्या कहलाएगा? मार्केट पेनिट्रेशन, है ना। नए प्रोडक्ट ला रहे हैं, नई जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट ला रहे हैं, नई फीचर्स ला रहे हैं, क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट लवर। अभी नए जो फोन आ रहे हैं उसमें क्या है? एक तो फेस सेंसर है उसके अंदर, और दूसरा टच स्क्रीन है उसके पीछे, वो क्या कहना चाहिए? फिंगर सेंसर है उसके पीछे, या फिंगर रखते हो उसके बैक पोर्शन पे तो क्या हो जाता है? वो ओपन हो जाता है, तो अब गेस्चर लॉक की जरूरत नहीं रही है आपको, कोई पैटर्न की जरूरत नहीं रही है आपको, केवल फिंगर से ही खुलेगा आपके, कर सकते हैं। अच्छा, कैमरे में एनहेंसमेंट कर दो, ड्यूल कैमरा, ट्रिपल कैमरा बैक में दे दो आप, क्या है? प्रोडक्ट फीचर एनहेंसमेंट ही तो है, क्या कहलाएगा? मार्केट डेवलपमेंट के प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो बताओ, मैं तो कहता हूं मुझे ये दे दो ना तो मैं इसी पे खूब सारे MCQ बना दूं। नहीं बन सकते क्या? खूब सारे बना सकते हैं इसके ऊपर। ये किसका एग्जांपल बताओ? तो सोचने के लिए मजबूर करेगा कि नहीं करेगा? अब आप रट के चले गए तो नहीं होगा इससे, ये आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए ये टॉपिक जब आए तो, और जब ऐसा कर लोगे स्कोर करना आसान है। क्लियर होगी बात सबको समझ में? अब आ जाओ, मार्केट डेवलपमेंट किसको कहते हैं? मार्केट डेवलपमेंट का मतलब होता है एक्सपेंड ज्योग्राफिकली एंड टारगेट न्यू सेगमेंट। यहां एक बात जो खास ध्यान रखने की है वो क्या है? नया मार्केट विकसित करने का मतलब नए देश में जाके माल बेचना नहीं है, ये अच्छे से समझ लें। एग्जिस्टिंग कंट्री में भी एक नए रीजन में माल बेचना भी क्या कहलाएगा? मैं नॉर्दर्न इंडिया में ही मेरी क्लासेस
को सेल किया करता था, है ना। अब मैंने उसको सदर्न इंडिया में भी सेल करना शुरू कर दिया। क्या है ये, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है कि मार्केट डेवलपमेंट है? मैं सदर्न इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता था, मैं सदर्न इंडिया में भी सेल कर पा रहा हूँ, तो बताओ ये तरीका क्या कहलाएगा? नॉर्दर्न इंडिया में तो क्या करते हैं अपन, मिक्स मोड में बात कर लेते हैं, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी, तो चल जाता है ना। नॉर्दर्न इंडिया का मतलब मैं कहाँ तक मान रहा हूँ, अप टू महाराष्ट्र तक, ठीक है। नीचे के जो चार स्टेट है ना, मैंने चार सदर्न स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, कौन कौन से, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु, साथ में अब नया और जोड़ दो तेलंगाना भी अलग ही हो गया ना उनसे, तो पांच मान लो। इन पांच में आपको क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजी में या तो पूरा बोलना पड़ेगा या अंग्रेजी मैक्सिमम होनी चाहिए, तो उसके लिए अलग से वीडियो तैयार किए जा सकते हैं। अगर मैं उनमें भी अपना माल बेचता हूं तो बताओ ये तरीका क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के मार्केट डेवलपमेंट? मैं तो इसी कंट्री में बेच रहा हूं भारत, लेकिन ये क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट है कि मार्केट डेवलपमेंट है, क्योंकि मैंने एक्सपेंड किया ज्योग्राफिकली। बात समझ में आई? कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब नया मार्केट का मतलब होता है नया देश, बिल्कुल नहीं। नया देश हो सकता है, हम गलत नहीं कर रहे उसको, वो भी सही है, लेकिन सेम कंट्री में नया रीजन भी हो सकता है। अच्छा, सेम लोकेशन में नए कंज्यूमर भी हो सकते हैं, ये कोई जरूर थोड़ी है, ये भी तो कर सकते ना अपन, कि नहीं कर सकते? अब एक कंपनी डाइवर्सिफाई करती है, अलग अलग प्रोडक्ट ले आती है, तो मार्केट डेवलप कर ही सकती है वहां पे भी। तो इसका हमने उदाहरण क्या दिया था, वोडाफोन का भारत में आना, ये भी एक एग्जांपल था इसके अंदर। अब आ जाओ डाइवर्सिफिकेशन, तो डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके के होते हैं, एक रिलेटेड और एक अनरिलेटेड। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमने कौन सा दिया था, भारती कंपनी का। भारती ने सबसे पहले एयरटेल, कौन सा प्रोडक्ट है, कम्युनिकेशन। फिर क्या दिया, एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का प्रोडक्ट, पहले से कोई लेना देना नहीं, अनरिलेटेड। उसके बाद कौन सा दिया, डीटीएच। अब क्या लेके आ रहा है वो, एफएम रेडियो। क्या है, सब कुछ अनरिलेटेड ही तो कर रहा है, रिलेटेड भी हो सकता है और अनरिलेटेड भी हो सकता है। चार तरीके देख लिए अपन ने, एग्जाम्पल भी सबके हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा टॉपिक है जिसपे एमसीक्यू हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं। आगे चलते हैं अपन, डाइवर्सिफिकेशन भी अनरिलेटेड रिलेटेड दोनों हो सकता है, चार ब्रॉड कैटेगरीज में। नाम याद रखेंगे अपन, कौन से चार हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, कंसेंट्रिक और कॉन्ग्लोमरेट। अब बताओ इनमें से रिलेटेड वाले कौन कौन से, तीन हमने पढ़ाते हुए भी आपको नोट करा दिए थे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कंसेंट्रिक। बताओ इस पे एमसीक्यू बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं मैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? विच वन ऑफ देम, अब देखो दो तरीके हो सकते हैं, विच वन ऑफ देम इज नॉट एन रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, मैं चार ऑप्शन कुछ भी दे दूं, या फिर मैं क्या कहूं, विच वन ऑफ देम इज ए रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, ये भी हो सकता है, इसमें भी चार ऑप्शन दे सकता हूं। बताओ एक ही सवाल को मैंने आपके सामने भी दो तरीके से फ्रेम किया कि नहीं किया, तो कई तरीके से फ्रेम कर ही सकता हूं ना। तो जो रियल टीचर है ना, और अभी अगर अपनी अपनी एमसीक्यू बुक लॉन्च भी कर रहे हैं, सारे लॉन्च कर रहे हैं, है ना, जो रियल सेंस में सही टीचर है वो तो अपनी मेहनत से ऐसी ला रहे होंगे, नहीं तो बाकी तो कॉपी पेस्ट ही हो रहा है, ठीक है ना। तो मेहनत करेंगे तो देखो इस तरीके से फ्रेम होंगे सारे, और उसमें वाकई आपको सवालों की क्वालिटी नजर आएगी, ठीक है ना। और मैं भी आप सभी स्टूडेंट से कहूंगा, सबकी बुक देखो, लेकिन उसके बाद आप देखो वाकई सवाल जो आपको लगे कि ये सोचने को मजबूर करते हैं, ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आप पाओगे। मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और केवल कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, बहुत आसानी से आप जवाब दे पा रहे हो, तो फिर उन सवालों के उस लेवल पे शायद आप एग्जामिनेशन में नहीं देख पाओ। इसलिए अपने को ये जरूर देखना है कि हम जो भी चीज़ को देख रहे हैं वो हमारे एग्जाम से रिलेटेड या एग्जाम के काम आने लायक जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना। हमारे को मिसलीड ना करे ऐसा हम जरूर देख लें। अब आ जाओ, अनरिलेटेड कौन सा वाला हो गया, कॉन्ग्लोमरेट वाला हो गया, ठीक है ना। हमने भारतीय एक्सा का उदाहरण भी दे दिया इसमें। चलो अभी डायग्राम भी मैंने बता दिया था, सपोज एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी, मैन्युफैक्चर करने के बाद अगर वो इंटरमीडिएट गुड्स बना देती है और उसके बाद रॉ मटेरियल भी खुद बनाना शुरू कर देती है, तो ये बैकवर्ड कहलाता है कि नहीं कहलाता है, डाइवर्सिफिकेशन। और अगर वो मार्केटिंग एंड सेल्स भी खुद करनी शुरू करती है और आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट भी खुद देनी शुरू करती है तो क्या कहलाता है, फॉरवर्ड कहलाता है। तो बताओ डाइवर्सिफिकेशन में वर्टिकल और वर्टिकल में भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड का तरीका अपन ने देखा कि नहीं देखा। इसमें हमने कैमलिन इंक का एग्जाम्पल दिया था, आपको याद आ रहा है सबको, तो वो एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं अपन, कोट कर सकते हैं अगर आ जाए तो, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको कंसेंट्रिक पढ़ाते हुए, पोर्शन आ नहीं रहा है मेरे पास में, कंसेंट्रिक पढ़ाते हुए आपको उदाहरण दिया था, मैगी ने 20 रुपए का पिचकू इंट्रोड्यूस किया, क्या है कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, अपने अपने नोट्स में देखो भाई सब लोग, क्या बताया था मैंने कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन टू अमाउंट्स टू रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। कौन सा है, रिलेटेड का अनरिलेटेड, रिलेटेड। इन कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन द न्यू बिजनेस इज लिंक्ड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस। लिंक्ड होता है कि बिना लिंक के होता है, लिंक्ड होता है थ्रू द प्रोसेस टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग। तो मैगी ने ये पिचकू डाला, क्या है इसके साथ ही खाई जाने वाली चीज है ना, लोग टमाटो सॉस तो खाते ही है ना, उन्होंने यार दूसरे की खा रहे हो तुम, किसान विसान की, ऐसा क्यों,
मैगी नहीं निकाल सकता क्या? उसको इसमें बिजनेस नजर आएगा, मेरी चीज के साथ ही खाते हो तो मैं दूसरे का प्रोडक्ट को बिकने दूं, मैं खुद का ही कर देता हूं। आपने देखा होगा आजकल तो हर शहर में मैगी का अपना एक ठेला आता है, जगह जगह पब्लिक प्लेसेस पे या स्टूडेंट्स के आसपास खड़ा होता है, क्योंकि सबसे तेजी से बनने वाली चीज़ यही है। नूडल्स बन जाते हैं, मैगी बन जाती है, तो उसके साथ वो 20 रुपये का पिचकू भी खूब चलता है। चलता है कि नहीं चलता बताओ? इसी तरीके से एक उदाहरण हमने और दिया था, एक फ्रिज बनाने वाली कंपनी क्या करे और दूसरे किचन अप्लायंसेस भी बनाने लग जाए। मैं फ्रिज भी बनाऊं, रेफ्रिजरेटर भी बनाऊं, चिमनी भी बनाऊं और रिलेटेड प्रोडक्ट बना दूं, है तो किचन अप्लायंस, वाइट गुड सारे कहलाएंगे मेरे। तो ये सारी चीजें कैसी कहलाएगी मेरी? कंसेंट्रिक कहलाएगी। उसके बाद हमने किसकी बात की थी? कॉन्ग्लोमेरेट की, वो भी पोर्शन इसमें नहीं आ रहा है। हमने उदाहरण दे दिया था आपको किसका? भारतीय ग्रुप का, एयरटेल, भारतीय लाइफ एक्सटेंशन, DTH और FM रेडियो। डेफिनेशन क्या थी इसकी कॉन्ग्लोमेरेट की? नोट्स में देखो आप सब लोग, एक पेज मेरे पास इसमें मिसिंग है। इन कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन नो सच लिंक एग्जिस्ट, द न्यू बिजनेस एंड प्रोडक्ट आर डिसजॉइंट। वर्ड याद रखो, डिसजॉइंट, अंडरलाइन करो, डिसजॉइंट वर्ड याद होना चाहिए आपको, disjoint, unrelated, not linked, कुछ भी वर्ड हो सकता है आपके साथ में, from the existing business and product in every way, it is a totally unrelated diversification। कैसा है, related है कि unrelated है बताओ? MCQ बन सकता है कि नहीं बन सकता है इस पर? ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, एक्सपेंशन थ्रू एक्विजिशन एंड मर्जर। क्या बताई थी डेफिनेशन हमने आपकी? एक्विजिशन और मर्जर विद एग्जिस्टिंग कंसर्न इज एन इंस्टेंट मीन ऑफ, वर्ड याद रखो कौन सा वर्ड है? इंस्टेंट, तुरंत वाला, ऑफ अचीविंग द एक्सपेंशन। अगर आप तुरंत एक्सपेंशन चाहते हैं तो क्या कर लें? मर्जर और एक्विजिशन में चले। अब जैसे नॉर्दर्न इंडिया में मेरी पेन ड्राइव की सेल बहुत अच्छी है, ठीक है ना? अभी रिसेंटली हमने 500वीं पेन ड्राइव सेल की अपनी ASSM सब्जेक्ट की, रिजल्ट आने के बाद अचानक सेल बढ़ गई है, और यूट्यूब पर आप देखेंगे तो हमारे चैनल की व्यूअरशिप और सब्सक्राइबरशिप बढ़ गई है। अभी नॉर्दर्न इंडिया तक है, अब सदर्न इंडिया से वो मैसेज मेरे को दे रहे हैं बच्चे कि साहब आप जो बोलते हो वो प्योर हिंदी होने के कारण या कुछ हिंदी होने के कारण हमारे थोड़े समझ में कम पड़ती है, थोड़ा अंग्रेजी में दे दो, ठीक है? अब अपन सपोज अंग्रेजी में अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर ले इन सब बच्चों के, और फिर सदर्न इंडिया में एक बड़ी एजुकेशन और CA वाली फर्म जो कि पेन ड्राइव के बिजनेस में नहीं है उसके साथ हाथ मिला लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? मर्जर कहलाएगा या एक्विजिशन के दौर में जा सकते हैं? या तो अपन उनको खरीद लें या अपन उसमें मिल जाएं, तो बताओ क्या कहलाएगा ये? मर्जर एंड एक्विजिशन हो सकता है। और अगर कुछ समय के लिए 6 महीने के लिए दोनों मिलकर काम करते हैं अपनी अपनी एंटिटी बचाते हुए, तो स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं हो जाएगा क्या? एक रियल टाइम एग्जांपल दे दिया मैंने, वी आर वर्किंग ऑन इट, बहुत जल्दी सदर्न इंडिया में अलग से रिकॉर्ड करके दे देंगे। इस बार May 19 में नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली November 19 में होगा हमारे पास। हमारे चैनल पे आते ही आपको 2 सेक्शन मिल जाएंगे, ठीक है ना? प्योर इंग्लिश वाला और मिक्स मोड वाला, जिसको जो चाहिए वो परचेज कर सकता है उस तरीके से। तो बताओ क्या तरीका कहलाएगा? आइदर एक्विजिशन मर्जर, जो भी उस समय सूट करता है, या फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस। आप अपनी एंटिटी बनाओ, मैं अपनी एंटिटी रखता हूं, हम कुछ समय के लिए मिलकर काम करते हैं, तो मिलकर दोनों अपनी अपनी एंटिटी बचाते हुए काम कर ले तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेटेजिक अलायंस। और अगर एक दूसरे में मिल जाते हैं, मिलकर एक नई एंटिटी क्रिएट कर दे तो मर्जर हो जाएगा, और मैं अक्वायर कर लूं उनको या वो अक्वायर कर ले मुझे, तो क्या कहलाएगा? वो एक्विजिशन कहला जाएगा। तीनों का मतलब समझ में आया क्या? मर्जर में क्या होता है? A and B आर मर्ज इंटू न्यू एंटिटी C, ठीक है? बत्रा क्लासेस एंड अदर क्लासेस आर मर्ज इनटू बत्रा क्लासेस, मर्जिंग होगी, ठीक है? लेकिन एक्विजिशन क्या हो जाए? मैंने किसी सदर्न इंडिया की टॉपर इंस्टीट्यूट को अपने में एक्वायर कर लिया और अपनी फर्म की एक्सपेंशन कर ली, तो ये क्या कहलाएगा? एक्विजिशन हो जाएगा मेरा। और बत्रा क्लासेस और कोई साउथ की टॉपर क्लासेस मिलके कुछ समय के लिए 6 महीने के लिए November 19 के लिए पेन ड्राइव की सेल करते हैं, क्या कहलाएगा ये बताओ? एक ही तीनों चीज एग्जाम्पल हो गया, तो एग्जाम्पल दिमाग में अपने को रटने भी नहीं है, अपन क्रिएट कर सकते हैं, है ना? सब्जेक्ट की अगर आपकी समझ अच्छी हो जाए ना, तो एग्जाम्पल भी याद करने की जरूरत नहीं होती है, वी कैन क्रिएट आर ओन वंस। और हमारे सामने प्रैक्टिकल उदाहरण बहुत सारे हैं। इस समय इंडस्ट्री को देखोगे, देश में स्थितियों को, इकोनॉमिक कंडीशन को देखोगे, तो आपके आसपास ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, यू कैन कोट एनी वन। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अपन। मर्जर एक्विजिशन को मैंने समझा दिया आपको, ठीक है? अब आपको इसमें जो याद रखना है, देखो ट्रू एंड फॉल्स के लिए क्या हो सकता है। मर्जर एंड एक्विजिशन इन सिंपल वर्ड्स आर डिफाइंड द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर। तो टू और मोर किस में इकट्ठी होती हैं? मर्जर एंड एक्विजिशन में, ठीक है? इसके बाद देखो फ्रेंडली मैनर में काम किस पे होता है? फ्रेंडली में किस में होता है? मर्जर पे होता है, एक्विजिशन में थोड़ी होता है। एक्विजिशन में तो क्या होता है? एक वीकर कंपनी को
स्ट्रॉन्गर कंपनी टेक ओवर करती है, और जनरली वो सारी चीजें कैसी होती है, अनफ्रेंडली टर्म्स पे होती है। न्यूली क्रिएटेड एंटिटी किस में बनती है, न्यूली क्रिएटेड किस में बनती है, एक्विजिशन में कि मर्जर में, मर्जर में बनती है। देखो कई सारे वर्ड आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज किसके साथ जा रही है। मर्जर होगी तो एक न्यू एंटिटी बनेगी, एक्विजिशन में नहीं बनती है क्या, नहीं। अच्छा, एक्विजिशन में किसी एक की एंटिटी खत्म भी हो जाती है क्या, बिल्कुल खत्म हो जाती है, दोनों में से एक ही रह पाती है। तो ये कुछ चीजें समझने की हैं, हमें समझ लिया तो फिर तो सवाल कैसा ही दे दो, हम ट्रू फॉल्स में भी कर लेंगे उसको और एमसीक्यू में भी कर लेंगे उसको। फिर ट्रू फॉल्स किस पे हो सकता है, देखो, इन द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन वन फाइनेंशियली स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन ओवर पावर द वीकर वन, ये किस में होता है, एक्विजिशन में होता है। तो हम ट्रू एंड फॉल्स में पूछ सकते हैं, इन एक्विजिशन क्या कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन स्टार्ट्स व्हेन फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी ओवर पावर्स द वीकर वन। बताओ आप, ऐसा होता है कि नहीं होता है, करते कि नहीं करते हैं अपन, अपन चाहे तो एक एग्जांपल दे सकते हैं इसका, हुआ है कि नहीं हुआ है? टाटा ने कोरस को एक्वायर किया, तो अब कोरस का कोई नाम है क्या, टाटा का ही चलता है ना यूरोप में, जो हमने एक्वायर किया था ये, तो ये क्या करती है, बड़ी फाइनेंशियल कंपनी छोटी वीक कंपनी को एक्वायर करती है। इसके अलावा याद क्या करना है, ये कब होता है भाई, एक्सपेंशन के दौर में होता है कि रिसेशन के दौर में होता है, रिसेशन के दौर में होता है। फिर जब डिक्लाइनिंग प्रॉफिट मार्जिन होते हैं तब हुआ करता है, कैसा होता है, फ्रेंडली मैनर में होता है कि अनफ्रेंडली मैनर में होता है। अब देखो कितने सारे एमसीक्यू बन गए, कितने टाइप के ट्रू फॉल्स बन गए, कितने टाइप के डेफिनेशन के सवाल बन गए, है नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मैं मई 19 के लिए इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं, ये इसके पीछे क्या है, मेरी मेरी बिजनेस इंटेलिजेंस है ना, ये मेरी कहना चाहिए सब्जेक्ट की इंटेलिजेंस है, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम 30 सालों में मैंने अर्न की है, वो आपको दे रहा हूं ना मैं क्लास में, यूं थोड़ी मैं मेरे पास ही रख रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ना क्यों और कैसे इंस्टीट्यूट फ्रेम करती है, वो सारी इनसाइट स्टोरी आपको पता चल रही है कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट काम करती है। अगर अपन इस तरीके से अपनी सोच विकसित कर लेंगे, टेक माय वर्ड, फाइनल में तो वैसे ही दिक्कत नहीं आने वाली है ना, कई लोगों को तो इंटर में दिक्कत आ जाती है, आईपीसीसी में दिक्कत आ जाती है, पर हम आपको उस तरीके की सेंस दे रहे हैं कि आप खुद भी अगर पढ़ोगे तो फाइनल में भी आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपको किस तरीके की पढ़ाई करनी है वो समझ लें जरूर आज इन क्लासेस से अपन। अब कितने तरीके के मर्जर होते हैं भाई, हमने बताए थे चार तरीके के होते हैं, कौन कौन से चार हैं भाई, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोजेनरिक, कॉन्ग्लोमेरेट, कौन से चार नाम याद हो जाने चाहिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोजेनरिक, कॉन्ग्लोमेरेट। तो बताओ इस पे एमसीक्यू दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ मैं, है ना, कॉम्बिनेशन बना दूंगा मैं एमसीक्यू के अंदर, इनमें से कौन से ऑप्शन पे मर्जर नहीं हो सकता, कोई भी दे दूंगा मैं, तीन सही होंगे गलत होगा और नाम आपको मिलते जुलते नजर आएंगे। अब बताओ इसमें कहीं कंसेंट्रिक वर्ड आया क्या, कौन सा वर्ड आया, कोजेनरिक, तो ध्यान रखना कंसेंट्रिक वर्ड मतलब वही है, कोजेनरिक कहो कंसेंट्रिक कहो बात एक ही है अंग्रेजी के सिनोनिमस वर्ड के हिसाब से देखू तो, लेकिन वर्ड हमारे यहाँ कौन सा यूज होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो हमारे पास थे ही, कॉनग्लोमेरेट भी था, लेकिन कंसेंट्रिक की जगह वर्ड कौन सा यूज आ रहा है, कंसेंट्रेट की जगह कोजेनरिक होगा मर्जर में, याद रखना है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन के तरीकों में जाओगे तो वहां चार नाम कौन से हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कंसेंट्रिक, कॉनग्लोमेरेट, मर्जर में आओगे तो चार नाम कौन से हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोजेनरिक एंड माइन्यूट डिफरेंस, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और गलत कर जाता है, फिर बाद में कहता है यार बताया तो था, मैं कंफ्यूज हो गया, एक नंबर गया मेरा। हमारे यहाँ जो सवाल आएंगे मैं बता दूं, शायद आपने भी देखे होंगे, एक मैंने वो भेजा भी है आपको, एक नंबर के और दो नंबर के सवाल होंगे, दोनों सवाल होंगे, केवल एक नंबर के नहीं होंगे, कुछ दो नंबर के भी होंगे। दो नंबर के मतलब सवाल तो एक ही होगा पर उसका वेटेज दो नंबर का होगा। तो आप क्या सोचते हो, दो नंबर का सवाल इजीली स्कोर कर लोगे, वो दो नंबर के सवाल में टेक्स्ट ही बहुत ज्यादा होगा, मतलब पहले तो उसको पढ़ोगे समझोगे क्या क्या रहा है, फिर उसके नीचे उसके ऑप्शन पे आओगे। मैंने जो अपने एमसीक्यू फ्रेम किया उसमें दो नंबर के सवाल वाकई आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे, चाहे मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पे, फिर भी आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि ये क्या क्या रहा है, इससे आंसर कौन सा निकलता है, और वही तरीका आ जाएगा केबीसी स्टाइल में, जब आप कहोगे 50-50 में दो गायब कर लो तो मालूम पड़ेगा दो वो गायब हो गए जो पता ही थे, कन्फ्यूजन जिनमें वही दो रह गए इसमें, ठीक है। तो ढंग से उन सवालों को कर लेना, वैसी स्थिति हमने फ्रेम की है ताकि आपको एटलीस्ट एमसीक्यू पार्ट में काम करने में आसानी हो जाए हमारे उस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक से। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल हमने कौन सा दिया था, ब्रूक बॉन्ड और लिप्टन इंडिया ने मिला के क्या कर दिया, मर्जर कर दिया। इसी तरीके से भारत में वोडाफोन और आइडिया ने मिलकर किया, अभी दो उदाहरण दे दिए थे मैंने, याद रख सकते हैं इन उदाहरणों को कि नहीं रख सकते अपन। आगे आ जाओ, वर्टिकल मर्जर का कौन सा उदाहरण दिया था, जब दो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है सेम इंडस्ट्री पर डिफरेंट स्टेजेस में होती है, मतलब
एक फिनिश प्रोडक्ट बना रही है, एक रॉ मटेरियल बना रही है, तो अपन ऐसा कर सकते हैं, या एक मार्केटिंग इन सेल्स में है और दूसरे प्रोडक्शन में ही है। तो हमने उदाहरण दिया था एसएस बाथरूम फर्निशिंग वाले ने क्या किया, अपने आप को मर्ज कर दिया एशियन पेंट्स के साथ। क्यों किया? क्योंकि एशियन पेंट्स की मार्केटिंग और सेल्स के तहत रूरल एरियाज में भी अप्रोच बहुत अच्छी थी। तो एसएस बाथरूम वालों को क्या लगा कि इस तरीके से हमारी फिटिंग और फर्निशिंग एशियन पेंट्स के चैनल के माध्यम से गांव-गांव तक भी पहुंच जाएगी, जो केवल शहरी क्षेत्रों में ही है। एडवांटेज मिलता है कि नहीं मिलता है ऐसा? ठीक है, उसके बाद हमने तीसरा बताया था आपको को जेनरिक। इस पे दो नंबर का सवाल मई 18 में डेफिनेशन के तौर पे भी आ चुका है। क्या बताया था को जेनरिक में? टू और मोर मर्जिंग ऑर्गेनाइजेशन आर एसोसिएटेड इन सम वे और अदर रिलेटेड विद द बिजनेस। उदाहरण क्या दिया था अपन ने आपको? कौन सा उदाहरण था इसमें बताओ? को जेनरिक मर्जर में फॉर एग्जाम्पल व्हाइट गुड बनाने वाली कंपनी, रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी और भी किचन अप्लायंसेस बनाने लग जाए। बताया था कि नहीं बताया था अपन ने इसमें? अब हमने आपको कहा था इससे एक सवाल आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड को जेनरिक मर्जर। पढ़ाते हुए भी कहा था आपको, बताओ मेरे को क्या जवाब है इसका? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड को जेनरिक मर्जर? कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है और को जेनरिक मर्जर में क्या होता है? मर्जर में तो दो कंपनियां क्या करती हैं, मिलके एक नई एंटिटी बना लेती हैं, जबकि कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में ऐसा करना कतई जरूरी नहीं होता है। यही तो है मेन डिफरेंस जो पढ़ाते हुए हमने आपको बताया था। अब मिलती जुलती टर्म है ना, आप अलग अलग टॉपिक के तौर पे तो पढ़ लेते हो, लेकिन एग्जाम में उठा के धर दिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड को जेनरिक मर्जर, वही सरक जाएगी कई लोगों की कि ये कब तो बताया ही नहीं हमारे को। और अभी पढ़ाते हुए सब बताया गया है आपको, एक में मर्जिंग होती है, दूसरे में मर्जर होना जरूरी नहीं है, वहां एक्विजिशन भी हो सकता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे केवल मर्जर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट को कॉन्ग्लोरोमेट मर्जर क्या होता है इसमें? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट आर अनरिलेटेड टू ईच अदर। खास बात क्या होगी इसमें? अनरिलेटेड, तो अनरिलेटेड वर्ड एमसीक्यू के लिए हो गया हमारे पास में। हमने उदाहरण दिया था आपको टीवी 18 ग्रुप जो था वो मर्ज हो चुका है किसके अंदर? रिलायंस इंडस्ट्री में। रिलायंस इंडस्ट्री का तो कोई लेना देना ही नहीं है मीडिया ग्रुप से, पब्लिकेशन से, लेकिन उसने क्या किया? टीवी 18 को अपने साथ में मर्ज कर लिया ताकि वो मीडिया का भी एडवांटेज उठा सके, उसकी सेल्स का एडवांटेज उठा सके, अपनी रीच का एडवांटेज उठा सके। ठीक है, उसके बाद हमने एग्जाम्पल दिया था एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस किसको कहते हैं? स्ट्रेटेजिक अलायंस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर बिजनेस दैट आर एनेबल टू ईच अदर टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव व्हिच कैन नाइदर बी एबल टू अचीव ऑफ इट्स ओन। खास बात क्या है? आप अकेले होते तो नहीं कर पाते, लेकिन आपने किसी के साथ हाथ मिलाया तो आप कर पा रहे हैं, इसलिए आप क्या करते हैं? स्ट्रेटेजिक अलायंस। क्या इसमें अपनी एंटिटी खत्म हो जाती है कि आप दोनों की बनी रहती है, या जितने भी लोग स्ट्रेटेजिक अलायंस में जाते हैं उनकी बनी रहती है? अपनी अपनी एंटिटी सबकी बनी रहती है। तो इसमें भी एमसीक्यू हो सकता है। क्या है एमसीक्यू के लिए? दे पार्टनर्स मेंटेन देयर स्टेटस एज इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट एंटिटीज। अब इसमें चार ऑप्शन में दे सकता हूं, क्या ऑप्शन हो सकते हैं? डिपेंडेंट एंड सेपरेट एंटिटीज, इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट एंटिटीज, इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट एंटिटीज, कोरिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट एंटिटी। ऐसे कोई भी चार ऑप्शन दे दूंगा मैं, तो बताओ मिलते जुलते लगे कि नहीं लगे? तो अपने को वर्ड याद रखना है कौन से? इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट एंटिटीज रहती हैं। अब हमने उदाहरण दिया था आपको, बताओ तोशिबा का, कई सारे उदाहरण दिए थे हमने। तोशिबा ने जी के साथ में हाथ मिलाया स्ट्रेटेजिक अलायंस ताकि लाइट के एलिमेंट बेच सके। तोशिबा ने हाथ मिलाया एप्पल कंपनी के साथ ताकि मल्टीमीडिया प्रोडक्ट बना सके। तोशिबा ने हाथ मिलाया माइक्रोसॉफ्ट के साथ में ताकि हैंडहेल्ड कंप्यूटर सिस्टम दे सके। दिए थे नहीं दिए थे उदाहरण अपन ने? उसके बाद हमने इसके एडवांटेज बताए थे आपको, ये एडवांटेज आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट मान लो इसको, क्योंकि डेफिनेशन ही आ चुकी है केवल इसकी को जेनरिक की, एक्सपेंशन में सवाल नहीं आया। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस के चार एडवांटेज हमने पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज, इकोनॉमिक एडवांटेज, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज और पॉलिटिकल एडवांटेज। पढ़ लोगे इसको? ठीक है, आगे चलते हैं अपन। डिसएडवांटेज भी याद रखना है, कौन से हैं? रिस्क है। रिस्क क्या है? आप अपना नॉलेज शेयर करते हो, तो कल को जब स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं रहता तो यही आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस पार्टनर आपका क्या होता है? सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होता है, हीरो होंडा सबसे बड़ा है। आ दोनों कम्पीट ही कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट को लेके, सेम मार्केट में, सेम कस्टमर के लिए। उसके बाद आती है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, कब फॉलो करनी चाहिए भाई? व्हेन ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ एक्टिविटी। तो याद रखने की बात क्या है इसका? सब्सटेंशियली रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ एक्टिविटी, उसको हम कहते हैं रिट्रेंचमेंट। क्या करते हैं हम, क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए? तीन स्टेप में जाते हैं रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी के, तीन ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, इफ द ऑर्गेनाइजेशन चूजेस टू फोकस ऑन द वे एंड मींस टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन, इट अडॉप्ट्स टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। अगर आप रिवर्स करना चाहते हो तो क्या करोगे? टर्न अराउंड पे जाओगे। सेकंड, इफ इट कट्स डाउन द लॉस मेकिंग यूनिट डिवीजन और एसबीयू, तो एसबीयू वर्ड इसमें एमसीक्यू के लायक हो गया। कर्टेल द प्रोडक्ट लाइन एंड रिड्यूसेस द फंक्शन एंड परफॉर्म एंड अडॉप्ट द डाइवेस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसको क्या कहते हैं अपन?
डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कहते हैं। तीसरा, इफ नन ऑफ दीज एक्शन वर्क, ये हो गया सी पार्ट हमारा, इफ नन ऑफ दीज एक्टिविटी वर्क देन इट मे चूज टू अबैंडन द एक्टिविटी, इसको क्या कहते हैं अपन, लिक्विडेशन। तो तीन ऑप्शन हो गए हमारे रिट्रेंचमेंट के, कौन से तीन ऑप्शन है? पहला, रिवर्स करना चाहते हो, क्या कहलाएगा? टर्न अराउंड। अगर आप कुछ पोर्शन को कट ऑफ करना चाहते हो, लॉस मेकिंग यूनिट को बेचना चाहते हो, रिड्यूस करते हो अपने फंक्शन को, क्या कहेंगे? डाइवेस्टमेंट। और अगर आप कुछ भी ऐसा काम नहीं करते, हर चीज को अबंडन करना चाहते हो, टोटली, पार्शली नहीं, टोटली, तो क्या कहते हैं उसको? अच्छा, ये इसी ऑर्डर में होते हैं। ऑर्डर क्या है? पहले टर्न अराउंड करने की कोशिश करेंगे, फिर हम डाइवेस्टमेंट करेंगे। डाइवर्सिफाई अलग होता है, डाइवेस्टमेंट अलग होता है, ध्यान रखना। फिर हम क्या करेंगे? तो आप देखो, दो शब्द एक जैसे मिलते जुलते हो गए, डाइवर्सिफिकेशन एंड डाइवेस्टमेंट। डिस्ट्रीब्यूटर एंड डाइवेस्टमेंट आर वन एट द सेम थिंग, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन एंड डाइवेस्टमेंट में अंतर है। तो बताओ, ये भी कंफ्यूज कर सकते कि नहीं कर सकते अपने को? तो ध्यान रखना इस बात का हमारे को। तो टर्न अराउंड हमने बताया था, टर्न अराउंड कैसा होता है? इंटरनली और एक्सटर्नली हुआ करता है। अगर इंटरनली होता है तो उसको टर्न अराउंड करते हैं, एक्सटर्नली कहते हैं तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? डाइवेस्टमेंट कहते हैं या लिक्विडेशन कहते हैं। इफ रिट्रेंचमेंट, फिर एमसीक्यू का सवाल, ट्रू फॉल्स का सवाल, इफ रिट्रेंचमेंट इज डन इंटरनली इट इज नोन एज टर्न अराउंड, इफ रिट्रेंचमेंट इज डन एक्सटर्नली इट मे आइदर बी लिक्विडेशन और इट मे बी डाइवेस्टमेंट। बात आ रही समझ में? तो बताओ, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है? डेंजर सिग्नल क्या है? अब एमसीक्यू के लिए खूब सारे सवाल हो गए इसमें। नेगेटिव कैश फ्लो हो सकता है, कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट अनकॉम्पिटेटिव रहेगा, डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर हो गया, डिटेरेशन फिजिकल फैसिलिटी हो गया आपका, ओवर स्टाफिंग हो गई आपकी यहाँ पे, और मिसमैनेजमेंट हो गया। बताओ, इनमें से कुछ चीजें हम आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा साइन टर्न अराउंड का है? तो एक देंगे, बाकी नहीं देंगे, बाकी कुछ भी हो सकता है। या फिर हम कहें इनमें से कौन सा साइन नहीं है, तो तीन तो दे देंगे, एक वैसा नहीं रखेंगे। तो बताओ, सवाल तो कई तरीके से हो सकता है। अब ये जो सवाल नहीं वाला होगा ना, वो प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि हमें फिर सब याद रखने पड़ेंगे। जो कहता है तब तो बहुत आसान है, एक कोई पकड़ है, कहता है इसमें से नहीं है, तो फिर तो सब समझो कौन सा है, फिर याद भी करो कि ये था कि नहीं था उस पॉइंट के अंदर। तो ये नहीं वाले सवाल ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगे आपके लिए। एक्शन प्लान का, टर्न अराउंड का, मैंने इंपॉर्टेंट तब भी मार्क कराया था, अब भी मार्क कर लो ये मेरे लिए। स्टेज वन क्या होता है? असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम किस वजह से। सेकंड, एनालाइज द सिचुएशन। थर्ड, इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजिक प्लान। चौथा, रीस्ट्रक्चर द बिजनेस। पांचवा, रिटर्निंग टू द नॉर्मल। ठीक है ना, वीडियो डाला हुआ है, अगर डिटेल में देखना हो तो आप उसको देख सकते हैं। अब आ जाता है कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है या हाउ टू इंप्लीमेंट। तो हमने बताए थे 8 तरीके, चेंज करो टॉप मैनेजमेंट में, क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शन बनाओ इसमें, एक्सटर्नल प्रेशर को न्यूट्रलाइज करो, पे ऑफ क्विक करो, क्विक कॉस्ट रिडक्शन मेथड लाओ, रेवेन्यू जनरेट करो, जनरेट कैश करो, एसेट को लिक्विडेट करके बेटर इंटरनल कंट्रोल बनाओ। उसके बाद हमने डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाई थी। क्या बताया था इसमें? जब आप स्ट्रेटेजी में इन्वॉल्व करते हो सेल और लिक्विडेशन ऑफ पोर्शन ऑफ द बिजनेस और मेजर डिवीजन ऑफ एसबीयू, तो उसको हम डाइवेस्टमेंट कहते हैं। द ऑप्शन ऑफ टर्न अराउंड में इवन बी इग्नोर्ड, तो ये सवाल पूछा जा सकता है। क्या टर्न अराउंड को इग्नोर करके सीधा हम इस पे आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। कब आ सकते हैं? इफ इट इज ऑब्वियस दैट डाइवेस्टमेंट इज ओनली आंसर, जब आपको लगे कि टर्न अराउंड हो ही नहीं सकता, हम रिवर्स कर ही नहीं सकते, स्थिति बहुत खराब है, कुछ भी कर ले होगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? टर्न अराउंड को स्किप करके सीधा किस पे आ जाएंगे? तो बताओ, ट्रू फॉल्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या टर्न अराउंड स्किप की जा सकती है, अवॉइड की जा सकती है? बिल्कुल, अगर डाइवेस्टमेंट ऑब्वियस लगे तो की जा सकती है। तो हम सीधा करेंगे क्या? सेकंड और थर्ड स्टेप की कोशिश करेंगे, फर्स्ट को अवॉइड कर लेंगे। तो डाइवेस्टमेंट को अपनाने के पीछे रीजन क्या है, इसमें भी सवाल हो सकता है अलग से। क्या लगता है? अगर अब बिजनेस आपने एक्वायर कर लिया, वो मिसमैच है, छोड़ना ही पड़ेगा आपको। परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो है, सिवियरिटी ऑफ कॉम्पिटिशन है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की जरूरत है, आपके पास पैसा ही नहीं है और एक बेटर ऑल्टरनेटिव आपके पास है, तो ये काम करना जरूरी है क्या? कई बार ऐसा होता है ना, मुझे लगता है मुझे इस बिजनेस से जो फायदा मिल रहा है वो कम है, दूसरों की नजर में बहुत ज्यादा हो सकता है लेकिन मेरी नजर में वो कम है, और मेरे पास एक बेटर ऑल्टरनेटिव है जिसमें इससे ज्यादा बेनिफिट है, तो बताओ मेरे लिए छोड़ना समझदारी है कि नहीं है? हो सकता कईयों के लिए नहीं हो, उनके लिए तो इतना भी नफा नहीं मिलता था, लेकिन मेरे को इससे कहीं ज्यादा नफे वाला बिजनेस नजर आता है और मैं वो कर सकता हूं या मैं ऑलरेडी कर रहा हूं, तो इसको छोड़ के मैं वही करने की कोशिश करूंगा। तब बताओ हमें क्या करना पड़ेगा, डाइवेस्टमेंट अपनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ये कुछ रीजन है जो हमने बताए थे। फिर आ जाओ लिक्विडेशन पे, जो कि अंतिम रिजॉर्ट होता है। तो हमने बताया था इस पे एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स हो सकता है। मोस्ट एक्सट्रीम कौन सा है? लिक्विडेशन। रिट्रेंचमेंट में मोस्ट एक्सट्रीम कौन सा है? लिक्विडेशन। या फिर अनअट्रैक्टिव है कौन सा है? लिक्विडेशन। या फिर लास्ट रिजॉर्ट वर्ड किसका है? बताओ, ये तीन की वर्ड है इसके। जब भी लिक्विडेशन की डेफिनेशन बनाओ तीन वर्ड में ढूंढना। पहला, इट इज मोस्ट एक्सट्रीम ऑफ द रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज, ठीक है। इट इज अनअट्रैक्टिव ऑप्शन, इट इज अप्लाइड एज ए लास्ट रिजॉर्ट। अब कुछ नहीं हो रहा है,
तो भी लिक्विडेशन में हम जाएंगे। वो तीन वर्ड को घुमा फिरा के डेफिनेशन में लिख दो नंबर के, तीन कीवर्ड है इसके। क्या तीन कीवर्ड है हमारे? मोस्ट एक्सट्रीम, अनअट्रैक्टिव ऑप्शन एंड एज ए लास्ट रिजॉर्ट। मैंने देखो पढ़ाते हुए भी कहा था एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स। अपने तो क्लास में पढ़ाते भी आपको बता दिया था एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स के हिसाब से कैसे तैयार करना है। अपन तैयारी मई 19 के एग्जाम की क्लासों में पढ़ते हुए ऐसी कर चुके हैं, अब तो केवल रिवीजन का वक्त आ गया हमारा। उसके बाद लिक्विडेशन को हम एक और वर्ड से जोड़ते हैं, अनप्लेजेंट है। प्लेजेंटली करता है क्या कोई कि मैं चलते हुए अपने बिजनेस को छोड़ रहा हूँ? कौन छोड़ना चाहता है बताओ? बिजनेस भी क्या है, लोग नर्चर करते हैं, विकसित करते हैं, तो अपना बेबी कोई इतना जल्दी छोड़ता है क्या? बच्चा चाहे कितना ही खराब हो, हर माँ को अच्छा लगता है। दुनिया के नज़र में कितना ही नोटोरियस हो, कितना ही बेवकूफ़ हो, लेकिन हर माँ को उसका बच्चा सबसे प्यारा लगता है। ऐसे ही हर बिजनेसमैन को अपना बिजनेस जो उसने खड़ा किया है, चाहे वो नफा दे रहा है नहीं दे रहा है, अच्छा लगता है ना। नैनो कोई उतना रिटर्न तो नहीं दे रही जितना रतन टाटा सोचते थे, लेकिन आज भी छाती से चिपकाए हुए चल रहे हैं ना, नहीं चल रहे क्या? सारे मिस्त्री को निकाला ही इस वजह से था, उसने आके नैनो के ऊपर खूब सारे सवाल उठाए थे कि नैनो ठीक नहीं है, बंद करो। वो चारा सही कह रहा था, लेकिन चूंकि वो नैनो जो था वो रतन टाटा का एक विजनरी चाइल्ड था, तो अपन उसको कैसे देख सकते हैं कि कोई आके उसकी बुराई कर दे, है ना? जो सबसे नज़दीक हो मेरे दिल के और कोई उसकी बुराई कर दे, भले वो सही कर रहा हो लेकिन मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई है तो मैं तुम बर्दाश्त करूंगा ही नहीं, यही बात होती है। तो ये क्या है? अनप्लेजेंट होता है, लेकिन करना पड़ता है। क्योंकि हमने बार बार क्या कहा, बिजनेस करना प्योरली माइंड गेम है, ये दिल विल लगाने का गेम नहीं है। फिर मुझे अच्छा लगता है, मैंने शुरू किया हुआ है, मैं इसको कैसे छोड़ दूं, लोग क्या सोचेंगे, तो फिर आप डूब जाओगे। दिल लगाना है कहीं और लगाओ, इट्स अ प्योर एनालिटिकल माइंड गेम। बिजनेस करें तो दिल घर के आया करो, दिमाग का इस्तेमाल करो केवल, ठीक है ना, तब बिजनेस में सक्सीड किया जा सकता है। करेक्टरिस्टिक बताई थी हमने आपको इसकी, कुछ क्या बताई थी? ये स्ट्रेटेजी डाइवेस्टमेंट की तब की जाती है जब आप कुछ पोर्शन को सेल आउट कर देते हो, इसको एक इंटीग्रल पार्ट माना जाए, ये भी हमने बताया था। नो स्टिग्मा अटैच्ड, कोई भावनात्मक लगाव नहीं होना चाहिए ना, अभी मैं बार बार कह रहा हूं, तो इसको आपसे पूछा जा सकता है ब्रीफली एक्सप्लेन के तौर पर कि भाई ये वर्ड क्यों कहा गया है टर्न अराउंड के अंदर, कि डाइवेस्टमेंट इज व्यूड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी विदाउट एनी स्टिग्मा अटैच। एक्सप्लेन, क्या कहेंगे? Business, doing business is a pure mental game. It is based on rational, analytical thinking. If some businesses are not providing you the enough profits, if it is into the negative persistent cash flow, if it is unattractive, if competition is severe, if you do not want to remain in this business, if you acquired a business which seems to be mismatch, then it is better to have a divestment in that. It is better to have a liquidation in that. So there should not be any stigma attached. ठीक है ना, बिजनेस इज ए प्योर माइंड गेम, इट इज नॉट ए दिल विल गेम। ठीक है, बताओ दे दिया कि नहीं दे दिया जवाब, है ना? और इस बार मैंने ये पूरा अंग्रेजी में देने की कोशिश की है, तो ये मेरे सदर्न स्टूडेंट्स को भी मैं डाल दूंगा अलग से, ठीक है ना, कि तुम्हारे लिए आ रहा है बहुत जल्दी, ये एक झलक है उसकी। क्लियर, कर सकते कि नहीं कर सकते? अपन देखो जब भी आप अपने सब्जेक्ट पे पकड़ रखोगे ना, तो लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर। होता है क्या, अपने को मारवाड़ी में एक्सप्लेन कर दे, कोई दिक्कत है क्या? शब्दी तो यूज करना है अपने को, प्रॉब्लम थोड़ी है, अपने को करते ही ना अपन। मैं तो कहूँ कितनी भाषा सीख लो, है ना, जब किसी को अपने को विशेषण शब्दों से पुकारना होता है तो तुरंत अपनी मातृभाषा भी लौटते हैं अपन। कितनी अंग्रेजी सीख लो, है ना, जब किसी पर बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ जाया करता है तो फिर आप जो लौटते हो ना, वो भाषा आपकी रोज़मर्रा की भाषा होती है। तो भाषा तो कोई भी हो सकती है, देर इज़ नो प्रॉब्लम। और मैंने तो कहा है मैं तो 6 भाषाएं बड़ी फ्लुएंटली बोल लेता हूँ, सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ। हिंदी अंग्रेजी तो हम सब जानते ही हैं, क्योंकि मैं इस मारवाड़ में पला बड़ा हूँ इसलिए मारवाड़ी भी जानता हूँ। पंजाबी मेरी मातृभाषा है, मैं भी प्यारे शब्द उसी में बोला करता हूँ, है ना। और इसके साथ साथ गुजराती मैंने सीखी, क्योंकि मेरी सरदारनी वहीं से आई हुई है, ठीक है ना, दिल ले गई कुड़ी गुजरात की, वो हमारे साथ भी हुआ है, तो सीखनी पड़ी मेरे गुजराती में। गाली वाले तो नहीं देती कहीं उसमें, सीखनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं भी बोल लेता हूँ, ठीक है। और चूंकि मेरे कुछ दोस्त सिंधी लोग भी हैं, तो वो भाषा भी मुझे ठीक लगी, तो मैंने वो भी सीख ली। तो मैं सिंधी, गुजराती, मारवाड़ी, ठीक है, ये भाषाएं भी एडिशनल तौर पे बोल लेता हूँ। बाकी 3 भाषाएं तो मेरे ख्याल से हर आदमी बोल ही लेता है, हिंदी, अंग्रेजी और अपनी मातृभाषा तो हर एक आदमी बोल ही लेता है। तो 6 भाषाएं तो मैं भी जान रहा हूँ, और मैंने जैसा कहा है एक साउथ की भाषा और सीखने की मेरी इच्छा है, क्योंकि वो सीखने से क्या हो जाता है, वहाँ पेनिट्रेशन हो जाता है। तो 4 भाषाएं वहाँ चलती है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम। अब एक सीख लो तो फिर वो सब अपने को आ जाएंगी, होपफुली, ठीक है। तो 10 भाषाएं हो जाएंगी, तो कम से कम ये कह सकते हैं
कि हाँ भाई पेनिट्रेशन अब नॉर्दर्न इंडिया से सदर्न इंडिया तक है अपना एक्सपेंशन, ठीक है, रियल टाइम फिर एग्जाम्पल दे दिया अपने, आगे बढ़ते हैं अपन। हमें कंपल्शन कब लगता है कि डाइवर्समेंट जरूरी है, कुछ रीजन बताए थे हमने, पहला ऑब्सलीट हो रहा है आपका प्रोडक्ट, बिजनेस अनप्रॉफिटेबल हो रहा है, आप कोप अप नहीं कर पा रहे कॉम्पिटिशन को, ओवर कैपेसिटी है इंडस्ट्री में और आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी फेल कर गई। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कंपल्शन के ऊपर, तो कंपल्शन पे सवाल है चार नंबर का तो लिखना है। मेजर रीजन बता दिए थे हमने, नो लॉन्गर यू वॉन्ट टू रिमेन इन द बिजनेस। दूसरा, बिजनेस कुड बी मेड वायबल बाय डाइवेस्टिंग, acquired proved to be mismatched, मैंने अंडरलाइन करवाई है आपको नोट्स में पढ़ते वक्त, persistent negative cash flow, severity of competition, technological upgradation, better availability of alternative, बताया था नहीं बताया था आपको, लास्ट पोर्शन पे आ गए अपन, कॉम्बिनेशन, टाटा एंड सन्स का एग्जाम्पल, ट्रू फॉल्स पे सवाल आ सकता है क्या, इट इज पॉसिबल टू अडॉप्ट ए मिक्स ऑफ द अबव सूट पर्टिकुलर सिचुएशन, कब, जब आपको लगता है आप बहुत सारे बिजनेस करते हो, तो टाटा एंड सन्स को एक बिजनेस करता है क्या, मल्टीपल बिजनेस में है कि नहीं है, ये हिंदुस्तान की एक ऐसी मल्टीनेशनल है, अगर आप इसकी साइट पे जाके देखोगे तो ए से लेके जेड तक के नाम की कंपनियां इसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में इसके पास में मोर देन 100 कंपनियां हैं, और जो ए से लेके जेड तक में रजिस्टर्ड है, ए नाम की भी कंपनी है, बी नाम, मतलब अल्फाबेट से दी हुए कंपनी, ए नाम में इतनी, बी नाम में इतनी, सी नाम में, जैसे अपने कॉन्टैक्ट में होते हैं ना, ए नाम वाले इतने नाम है, बी वाले इतने हैं, सी वाले इतने हैं, उसके बाद कंपनियां हैं इस तरीके की। बट सोचो आप किस तरीके का काम है टाटा एंड सन्स का कि वो इतने टाइप की कंपनियां डील करती है, तो क्या बताऊं वहां कोई एक स्ट्रेटेजी काम करेगी, वहां तो कॉम्बिनेशन ही चाहिएगा हमारे को। मेजर रीजन क्या है इसके, द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज एंड फेसेस कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट, होता ही है, ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस विच लाइज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड दैट रिक्वायर डिफरेंट रिस्पॉन्सेस, क्लियर, तो कंप्लीट होता है अपना चैप्टर नंबर 4, क्लियर।